हे दिस इज चा दिन वर्कमिंग यू ऑल टू मैग्नेट ड्रीम्स एक ऐसा चैनल जहाँ आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट साथ ही साथ कई ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिन्हें डेफिनेटली आप कभी ना कभी एक्सप्लोर करना जरूर चाहते होंगे या फिर शायद आपके फ्यूचर का कोई ऐसा यू नो गोल है कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो क्रैक करना है तो सारी जो भी चीज़ें हैं जो प्रेपरेशन के लिए जरूरत है दैट इज़ अ गुड कॉन्टेंट अ गुड टीचर एंड अ लॉड ऑफ वीडियो सब कुछ अवेलेबल है ऑन मैग्नेट ड्रीम्स

नहीं सोचना है कि ये है, तो इसका तो कुछ ना कुछ यू you नो know, चार्ज होता ही होगा या कोई पेमेंट करना सब्सक्रिप्शन खरीदना ऐसा कुछ तो होगा बिल्कुल भी नहीं जो कुछ भी मैग्नेट ब्रेन पे है वो सब आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको बस क्या करना है अपना समय देना है फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंट रहना है दैट इज समथिंग जो अगर आप हाँ फुलफिल कर लेते हो यू विल स्कोर द बेस्ट बेस्ट मार्क्स इन योर फ्यूचर एंड आल्सो इन एनी एग्जाम दैट यू प्रिपेयर फॉर सो so, इस तरीके से आपको बहुत सारे कोर्सेज तो मिल जाते हैं बट इन्हें कहाँ पर जाकर हमें ढूंढना है कैसे पढ़ना है बहुत हेक्टिक हो सकता है ये सारी चीज़ें इसीलिए आपको मैग्नेट ब्रीन्स वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि आप वहाँ जाएँ और जो जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ से फटाफट से एक्सप्लोर कर लें तो आपको उसके लिए क्या करना है मैग्नेट ब्रींस टाइप करना है गूगल पे वहाँ जाके आपको मिल जाएंगी बहुत सारे कोर्सेज जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे और आपको सेलेक्ट करना है आप जो भी पढ़ना चाहते हैं सपोज अगर आपको जैसे स्कूल का कोई भी टॉपिक जैसे इंग्लिश मीडियम के कारण से क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई नो टॉपिक कोई भी you know, क्लास का आपको पढ़ना है आप क्या कीजिए ना क्लिक कर दीजिए वो इंग्लिश मीडियम पे आपके सामने बहुत सारी आएंगी आप उस क्लास को चूज कीजिए क्लिक किया पे, और आपके सामने आएंगे subjects, English, अब आपको सारे चैप्टर्स के नाम पोम्स के नाम सब मिल जाएंगे और हर एक चैप्टर पर कौन कौन टाइप की लाइक किस किस टाइप के वीडियोज बने हुए हैं suppose, um, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लॉन्ग एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सब दिख जाएगा वहाँ पे बस वो सिलेक्ट कर लो जो आपको पढ़ना है वंस यू सिलेक्ट लाइक वंस यू क्लिक ऑन इट आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट होता है और इसी तरीके से आप बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स हैं और वीडियोज हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो सो दिस इज अबाउट माइक्री प्रिंस वेबसाइट मेक शोर आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो यू डेफिनेटली गो एंड चेकआउट द वेबसाइट नाउ वी कैन गेट स्टार्टड विथ टूडेज टॉपिक जो होने वाला है आपकी वर्क बुक के यूनिट नाइन का डिस्कशन तो भाई जो चैप्टर नंबर है मैडम राइट्स द बस वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नाइन है और हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने इसके बारे में बेसिकली क्यों पढ़ा है, आपको स्टोरी नहीं पता है तो बिल्कुल क्या कर रहे हो अभी तक मतलब लिटरेचर या लैंग्वेज तो ऐसी चीज है वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो कि आपको जो है पहले से ही स्टोरीज वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आप इन सब लैंग्वेजेस

तो सबसे पहले लेट्स बिगिन ठीक है तो वी विल रीड दिस एंड आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चैप्टर से ही रिलेटेड पूछा है तो अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट डोंट वरी ये जो चैप्टर है मैडम राइट द बास इसमें एक आठ साल की बच्ची है जिसका नाम है वली ठीक है वली अम्माई पूरा नाम है बट उसे शॉर्ट में वली बोलते हैं और वो बच्ची जो है उसे हमेशा से ही एक बहुत बड़ा डिज़ायर है दिमाग में कि वो एक बस है जो उसके गांव से टाउन तक और टाउन से गांव तक आती है और वो उस बस में एक बार राइड करना चाहती है क्योंकि कई उसके दोस्त हैं जो उसे बताते रहते हैं कि भैया बस में ऐसा होता है टाउन ऐसा दिखता है या फिर वो कई बार लोगों को सुनती है बट कभी वो बैठी नहीं है बस में तो उसके लिए बस में भले एक बार बैठे वो जिंदगी में बट वो एक बार अकेले जाके जर्नी करना चाहती है तो फाइनली वो ठान लेती है कि वो इस बार बस की जर्नी करके रहेंगी आठ साल की बच्ची है और अकेले जर्नी करेंगी ये कहानी बहुत पुरानी है ठीक है जब ये लिखी गई थी ना ये बहुत बहुत पुरानी कहानी है इसीलिए उस टाइम के हिसाब से आठ साल की बच्ची का अकेले ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात हुआ करता था जो अभी इतना नहीं है ठीक है तो आपको ऐसे ही सोचना है जैसे एक समय जहाँ पर आठ साल की बच्ची अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती तब इसने पूरी प्लानिंग की है पैसे बचाए हैं ठीक है उसके अलावा उसने पूरा टाइम का कैलकुलेशन किया कि जब उसकी मम्मी दोपहर को सोती हैं तो वो उस टाइम पे जाकर वापस आ भी जाए अकेले जाती हैं बस में उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर लेती हैं इधर उधर से और बस में कंडक्टर जो हैं उनसे ऐसे बिहेव करती है लेडी वल्ली मैं लेडी क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आठ साल की बच्ची है बट एक लेडी की तरह ही बिहेव करती है एक मैच्योर वुमन की तरह बिहेव करती है ये और इसीलिए कंडक्टर भी इनको मैडम मैडम बोलते हैं और इस तरीके से आपको पूरी कहानी दी गई है कि वो गई उन्होंने क्या क्या देखा लौटते वक्त वो एक बहुत ही भयावह दृश्य देखती हैं उस वजह से उनका जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाता है विंडो के बाहर देखने का और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सीखती हैं तो ये सब जो है वो कहानी में दिया है अभी से पूरा बता दूंगी तो कोई मतलब नहीं है सो मेक श्योर कहानी जरूर देख लो यू डू वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कहानी है इसमें वली फाइनली उस बस में बैठ जाती है और उसकी जर्नी करके आती है जिस बस में वो कई महीनों से बैठना चाहती है

टिकट अब एक बात बताओ जब हम बहुत छोटे होते हैं तब हमारे सामने कोई भी हमारी फेवरेट खाने की चीज़ या खिलौना आ जाता है तो हम जिद करते हैं या फिर हम पेरेंट्स को बोलते हैं ले लेके दो लेके दो आप ये बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं उस वक्त बचपन में कि यार रहने दो मैं यहाँ पे पैसे बचा लेता हूँ या फिर इन्होंने खर्चा करने की क्या जरूरत है ऐसे बच्चे सोचते हैं ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचते नहीं ऐसा बट बहुत कम होता है ऐसा है ना ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे जिद करेंगे या सीधे बोल देंगे मुझे लेके दे दो या फिर मुझे चाहिए ये चाहिए बट वली जो है उनके पास अगर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे थे भी ना टिकट के प्राइस के अलावा वो भी उन्होंने खर्च नहीं किए उन्होंने मेक श्योर sure किया कि वो ये सारे टेम्पटेशंस जो लालच है उनके आंखों के सामने जो आ रही हैं वो सब पे कंट्रोल करें और टिकट्स के लिए पैसे बचाएं और फिर उन पैसों से उन्होंने आने जाने की टिकट खरीदी वॉट आर एक्साइटिंग थिंग्स डिड शी सी फ्रॉम द बस बस की विंडो से बल्ली बड़ी एक्साइटेड होती है वो बस में बैठ जाती है ना विंडो सीट पर बैठती है जाके और विंडो से सब कुछ दिख नहीं रहा होता है एक ब्लाइंड लगा होता है उस पर तो वो दिखता नहीं उन्हें तो एकदम से सीट पर खड़ी हो जाती है ताकि वो अच्छे से देख पाए खिड़की के बाहर का नज़ारा और फिर उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है वॉज द एक्साइटमेंट द सेम ऑन हर रिटर्न जर्नी बट जब वो वापस आती है तब क्या उनकी एक्साइटमेंट उतनी ही थी जितनी जाते वक्त थी वो आपको यहाँ पर अच्छे से आंसर के फॉर्म में लिखना है डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर डिस्कशन ऑन द अबव मैं क्वेश्चन अब आपको ना ऐसा करना है कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए उसको मिलाकर एक पैराग्राफ लिखना है बट मुझे लगा कि भई ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन के लिए तो इसका आंसर अलग इसका आंसर अलग दिया हुआ है मैंने आप चाहो तो उसको एक साथ मर्ज कर देना कोई बड़ी बात नहीं है बट आपको मैंने अलग अलग इसलिए दिया है बिकॉज ये दोनों ही सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में लिटरेचर का मतलब जो मेन एग्जाम होगा ना उसमें आते हैं सो so, या इसके पहले कि हम ये आंसर्स डिस्कस करें मुझे लगता है आपको इनको बताना ही पड़ेगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली कि पूरी मतलब ही नहीं है पूरी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी तो बट कोई बात नहीं एक बार पढ़ लेते हैं शॉर्ट में तो देखिए ये जो अवली है जब ये जारी होती है ना आ, अपने विलेज से टाउन की तरफ तो बस में से उनको कई चीज़ें दिखती हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और यू नो सड़कें दुकानें छोटे छोटे घर सब कुछ दिखता है उनको और एकदम से क्या होता है उन्हें एक गाय दिखती है जो बस के सामने बहुत तेज़ी से भाग रही होती है ठीक है और जितनी बार ड्राइवर जो है हॉन्क करते हैं यानी कि जो हॉर्न है वो बजाते हैं उतना वो डर जाती है गाय और उतनी तेजी से भागती है तो ये देख के वली को बहुत मज़ा आया था वली बहुत ज़ोर जोर से हंस रही थी एंड शी इंजॉयड इट टू द फुलेस्ट बट जब वो वापस आ रही होती है उसी बस में बैठी हुई है वो और जब वो वापस आ रही होती है शहर से गांव की तरफ तो उन्हें रोड पे एक गाय दिखती है जो कि रोड पे डेड है ठीक है उस गाय की डेथ हो चुकी है और जब वो देखती है तो वो कंडक्टर से कंफर्म करती है कि क्या ये वही गाय है जो अभी कुछ मिनट पहले मैंने हंसते खेलते हुए देखी थी तो कंडक्टर बोलते हैं हाँ अब वल्ली आठ साल की है उन्होंने कभी नहीं देखा था ऐसा कुछ होता है कि जीवन मृत्यु टाइप का कोच या फिर अभी एक मिनट पहले कोई इंसान हंसता खेलता हो और एक मिनट बाद वो ना रहे दुनिया में वो सब चीज़ें उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं और डेफिनेटली बोलने में हमको इतना अजीब लगता है जब कोई रियल में एक्सपीरियंस करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो ड्रेटफुल होता है राइट तो वही चीज़ यहाँ वल्ली के लिए हुई कि उसने जिस गाय को अभी थोड़ी देर पहले हंसते खेलते हुए देखा था रोड पर लाइक अराउंड पाँच दस या पंद्रह बीस मिनट पहले थोड़ी देर बाद क्या हुआ उसने उसी गाय को रोड पे देखा जो पूरी तरीके से उसके पैर जो हैं वो फैले हुए थे स्प्रेड ईगल थे पोजीशन और वो जो है डेड थी तो इसीलिए वली वो शॉक्ड और उसका बिल्कुल भी उतना एक्साइटमेंट नहीं रहा था जितना जाते वक्त था क्योंकि उसको बार बार वो गाय का जो पिक्चर है वो दिमाग में आ रहा था विच वॉज काइंड ऑफ वेरी स्केरी फॉर हर एंड डेफिनेटली इट वॉज समथिंग जो उसके लिए एक इंडक्शन था इंट्रोडक्शन था टूवर्ड्स द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ कि एग्जैक्टली exactly एक रहस्य है किसी को नहीं पता कब कौन जीवित है कब किसकी डेथ हो जाए तो ये सब चीज़ें देखकर वली शॉक्ड हो जाती हैं और उनका एक्साइटमेंट उतना बिल्कुल नहीं रहता समझ आ गया तो बेसिकली ये कहानी है अब एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिली वो इसमें लिखेंगे और क्यों एक्साइटमेंट पहले जैसा नहीं था वो इसमें बताएंगे डन चलिए आंसर्स देखते हैं व्हाट आर एक्साइटिंग थिंग्स डिड शी सी फ्रॉम द बस वल्ली सॉ अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स कैनाल ऑन वन साइड माउंटेन्स एंड अ लार्ज ब्लू स्काई तो उसे बहुत सारे पहाड़ एक जगह पर कैनाल बनी हुई दिखी उसको देन उसके बाद पूरा जो आसमान है वो नीला था वो देखा उसने इट वॉज ग्रीन ऑल अराउंड बहुत ज्यादा हरियाली थी एक साइड पे घास ही घास थी फील्ड्स थी तो वो सब उसने देखा देर वॉज ऑल्सो बैरन लैंड विथ स्मॉल शॉप्स एक बिल्कुल ऐसा सा जमीन था जहाँ पे खेती बेती नहीं थी आ, ऐसा सूखा सा लैंड था जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें छोटा सा घर छोटा सा टाउन टाइप का बना हुआ था बिग Busy road दिखा उसको पर बहुत सारे लोग थे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी एंड वली वॉज आपको वैसे ये चीजें पूछी इसलिए आपने लिखा अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ वाला इंसिडेंट भी ऐड कर सकते हो कि वाइल uh, गोइंग टूवर्ड्स द टाउन वाली ऑल्सो सो अ काउ विच वॉज रनिंग वेरी फास्ट या रनिंग इन अ स्पीड इन फ्रंट ऑफ द बाज एंड नो द ड्राइवर हॉन्ग्ड द मोस्ट कैरी इट गॉड एंड इट वॉज रनिंग विद मोर स्पीड दिस इज समथिंग विच मेड वाली फील वेरी हैप्पी शी इंजॉयडेड अ लॉट एंड या दैट इज समथिंग जो आप लिखेंगे वॉट शी सो ऑन हर ऑन गोइंग जर्नी क्लियर अब जब वो वापस आती हैं तो उनका एक्साइटमेंट उतना ही है क्या वॉट द एक्साइटमेंट द सेम ऑन हर रिटर्न जर्नी No, not at all. Her excitement was hampered. पूरी तरीके से कम हो चुका था एक्साइटमेंट खराब हो चुका था बिकॉज शी सॉ समथिंग दैट वॉज समथिंग जो उसका पहला एक्सपीरियंस था शी नेवर विटनेस दिस डेफिनेटली मतलब आप खुद सोचो रहे हो पाँच दस मिनट पहले आप जिस चीज को देख रहे हो कोई एनिमल है या कोई बिलविड है किसी को भी देख रहे हो एंड इफ दैट पर्सन और दैट एनिमल इज नो मोर आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स हाउ वुड यू फील राइट तो वही चीज वल्ली के दिमाग में भी चल रही है सो नो वल्ली डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ऑन हर रिटर्न जर्नी एंड शी हर होल गोइंग टू द टाउन

लाइक uh, टाउन like से अब रिटर्न जर्नी है उसकी तो जब वो वापस आ रही है तब उसने क्या देखा उसी गाय को देखा जो उसने गाँव से शहर जाते वक्त देखा था द काव वॉज फुल ऑफ लाइफ पहले गाय को जब देखा था तो वो पूरी तरीके से हस्ती खेलती थी मतलब एक तरीके से भाग रही है पूरी जिंदगी है उसके पास बट ऑन द रिटर्न जर्नी वाली सॉ दिस काओ लाइंग डेड ऑन द रोड बट वही जो फुल ऑफ लाइफ काव थी वो लाइंग लाइफ लेस ठीक है ऑन द रोड वाइल जब वल्ली जो है रिटर्न आ रही थी टू द विलेज द का वॉज हिट मूविंग व्हीकल वल्ली बिकेम वेरी सैड आफ्टर दिस इंसिडेंट एच ए प्लेफुल्रीचर कुड बी ट्रांसफॉर्म इन टू दिस लाइफलेस वन तो स्टार्टिंग में तो वल्ली डेफिनेटली जैसे वो देखती हैं तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं और शी वॉज शॉक्ड वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि कैसे एक थोड़ी देर पहले जो हंसता खेलता हुआ क्रीचर था अब लाइफलेस जो है वो रोड पर है

अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो थोड़ी वर्क बुक रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हैव यू अंडरटेकन एनी जर्नी बाय बाइसिकल बॉट बस ट्रेन ऑन एन और यू नो uh, you know, एक जो होता है हाथी के ऊपर बैठकर या और ऑन कैमल बैक ठीक है कि जब हम सबसे पहले साइकिल से कहीं जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है बोट uh, से जा रहे हो तो वो भी बड़ी एक्साइटिंग जर्नी होती है बस ट्रेन एलिफेंट बैक मतलब जब भी आपने कभी राइड किया हो इस पे, आपको इसके बारे में लिखना है तो so, यहां पर एक आंसर आपको मिलेगा जो एलिफेंट बैक वाला हम डिस्कस उसी तरीके से आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा जर्नी है इंसिडेंट है इंसिडेंस है जो आपको बड़ा एक्साइटिंग लगता है इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है तो आप उस पर भी लिख सकते हो अब ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को पढ़ के सुनाना है इसीलिए लिखो बल्कि इससे आपको क्लियर होगा कि क्या आप जो भी दिमाग में चल रहा है या जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में पोर्ट्रे कर पाते हो या फिर आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है सो या दैट इज हाउ आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा टू अंडरस्टैंड वेदर यू कैन अटेम्प्ट सच क्वेश्चन चलिए आप पढ़ते हैं फटाफट से इसका एक आंसर वेन आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आई वेंट टू अ फेयर विथ माई पेरेंट्स तो भाई जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी तब मैं एक मेले में गई थी मेला लगता है ना किसके साथ अपने पापा मम्मी के साथ देर आर देर वॉज अ बिग एलिफेंट वॉज देर सो देर बिग एलिफेंट वॉज देर यानी कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा हाथी था एंड आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉन्ट टू हैव एन एलिफेंट ड्राइव और वहां पे फिर मैंने अपने पापा को बोला कि भाई मुझे इस हाथी के ऊपर बैठना है बिकॉज बहुत मजा आता है जब आप ऐसे यू नो एनिमल राइड्स कभी भी मौका मिलता है अगर आपको जैसे कि हॉर्स राइडिंग का मौका मिलता है कई ऐसी जगहों पे कैमल राइडिंग एलिफेंट राइडिंग इसके अलावा आई डोंट थिंक कभी कुछ और है जो मैंने किया है पर्सनली सो या दैट इज समथिंग देयर तो आप लिख सकते हो जो

द राइड वॉज फुल ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट इट इज़ रियली कूल राइड ऑल्सो फिफ्थ स्टैंडर्ड बच्चा है तो उसको मज़ा ही आएगा सो या इट वॉज वेरी गुड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग आई एन्जॉय द राइड टू द फुलेस्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू मेरी राइड्स तो डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय किया इस राइड को और फिर मैं बहुत ज़्यादा आशा कर रही थी कि मुझे और भी ऐसी राइड्स करने का मौका मिलेगा सो दिस इज वेरी शॉर्ट स्वीट क्रिस्प ब्यूटिफुल क्यूट सा आंसर इफ यू वॉन्ट आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हो सपोज अगर आपका कोई बाइसिकल राइड से रिलेटेड इंसिडेंस है या ट्रेन से रिलेटेड तो हमने लिखा भी है लास्ट वाले चैप्टर में हमने लिखा था शायद जितना मुझे याद है ऑल्सो आप जो है बस का जर्नी या कुछ भी जो भी आपको लगता है कि इसमें लिखने में मुझे मज़ा आएगा या फिर आप जो है रिलिव कर पाओगे अपनी मेमरीज तो प्लीज़ मेक श्योर यू बिकम अ लॉट ऑफ लाइक अब बिट कहना चाहिए लॉट नहीं बोलती हूँ अब बिट नॉस्टैल्जिक नोस्टाल्जिक आई होप यू नो वट नॉस्टैल्जिया इज़ कि जब आप पुरानी बातें सोचकर थोड़ा सी खो जाते हो एंड यू फील वेरी हैप्पी कि वाकया दिन थे वो यू बिकम भिड़े ठीक है कि हमारे दिन में तो इस तरीके से हमारे ज़माने में तो आप उस तरीके से आंसर ले सकते हो या फिर जस्ट राइट इट बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू राइट इट ओके सो मेक श्योर वेदर यू कैन राइट और नॉट दैट इज समथिंग जो आपको चेक करना ही है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो नाउ दिस इज वेरी एक्साइटिंग वेरी नाइस मेक श्योर आप ये जो पैसेज पढ़ रहे हैं ना हम अभी इसे आप अपने पेरेंट्स को भी सुनाओ ये बहुत ही प्यारी स्वीट सी स्टोरी है सो यू शुड टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो अबाउट दिस स्टोरी लेट्स रीड इट विशभ द्रिमन विच इज हु 65 ईयर ओल्ड एंड हर हस्बैंड कमलजीत 69 नाइन ईयर ओल्ड तो जो विशभ द्रिमन है वो लेडी हैं ठीक है, है? पैंसठ साल की हैं वो और उनके जो पतिदेव हैं हस्बैंड हैं कमलजीत नाम है उनका वो 69 इयर्स ओल्ड हैं out टू डिस्कवर द हिडन ट्रेजर ऑफ उत्तराखंड बाय bicycle. तो ये जो है उत्तराखंड में रहते हैं उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है ठीक है तो वहाँ पर ये अपनी साइकिल पे बैठ के 65 इयर्स ओल्ड एंड 69 इयर्स ओल्ड साइकिल पे बैठ के ये जो है उत्तराखंड के हिडन ट्रेजर को डिस्कवर करने चले हैं यानी कि उत्तराखंड को जब आप ऊपर ऊपर से देख लेते हो पूरा घूम लेते हो दैट इज समिंग जो हर कोई करता है बट अगर आप हर एक जगह हर एक कोना हर एक साइट को विजिट करते हो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या है क्यों है दैट इज गोइंग टू बी द हिडन ट्रेजर विशव शेयर पोस्ट रिटायरमेंट एडवेंचर और सिक्सटी फाइव रिटायरमेंट की बात की एज हो गई है तो ये जो है हम सिर्फ शेयर करेंगी अपना पोस्ट रिटायरमेंट एडवेंचर कि जब इनका रिटायरमेंट वगैरह हो गया काम वगैरह से तो फिर ये एक एडवेंचरस जर्नी पे निकलते हैं वो भी बाइसिकल पे साइकिल पे तो उसके बारे में ये हमसे शेयर करेंगे चलिए पढ़ते हैं पेडलिंग थ्रू द गोल्डन ईयर्स अभी ये गोल्डन ईयर्स हैं ठीक है इनकी लाइफ के भी एज के भी तो दीज लाइक इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम्स दैट दे वुड हैव क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा एक इंसिडेंस है ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं एट अ टाइम वेन आर पीयर्स व स्लोइंग डाउन रिलैक्सिंग एंड वॉचिंग सनसेट्स फ्राम द फ्रंट पॉच वी फाउंड अ न्यू पैशन साइकलिंग तो यहां पर ये यह हमसे खुद बता रही है कि एक ऐसा समय जब हमारे जो लोग थे लाइक उनके पियर्स यानी कि जो उनके एज ग्रुप के लोग थे या उनके साथ जिन्होंने काम वाम किया हुआ है वो जो लोग हैं वो स्लो डाउन होने लगे थे लाइक पे आप थोड़ा एक्टिविटी कम करने लगते हो बॉडी इतना साथ नहीं देती तो उस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत ही स्लो डाउन हो गए थे यानी इतनी एक्टिविटीज वो अपनी लाइफ में नहीं कर रहे थे रिलैक्सिंग एंड वॉचिंग सनसेट अब वो रिलैक्स कर रहे थे कि भाई इतनी मेहनत कर ली इतना कमा लिया या यू नो सब कुछ कर लिया बच्चों

तब ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ इन्होंने एक नया पैशन पता किया है एक नया पैशन स्टार्ट किया है और वो है साइकिलिंग करना वी स्टार्टेड आउट विथ शॉर्ट डेली राइड्स बट फाउंड आर सेल्व लुकिंग फॉरवर्ड टू देम मोर एंड मोर सो मच दैट वी डिसाइडेड टू वेंचर फर्दर एंड कवर मोर ग्राउंड तो ये कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में तो हम ना छोटी छोटी राइड्स पे जाते थे जैसे बच्चे नहीं हो थो तो थोड़ी थोड़ी देर साइकिल चला के आ जाते हैं वैसे हम भी थोड़ी थोड़ी देर साइकिल चला के आ जाते थे बट फिर हमको रियलाइज हुआ कि हम जो है ये चीज़ बहुत ज्यादा करना चाहते हैं लाइक हम बहुत ज्यादा साइकिल चलाना या ये राइड करना पसंद कर रहे हैं और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए साइकिल पे और और भी जगह हैं जो कवर करनी चाहिए दे व ऑब्वियस हेल्थ कंसर्न्स द रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग अ फिजिकली स्ट्रेनस एक्टिविटी एट अ हाई ऑल्टीट्यूड द मोस्ट ऑब्वियस ऑफ तो उत्तराखंड ऑब्वियसली थोड़ा ऑल्टीट्यूड पे बना हुआ है तो so, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कम हो जाता है राइट right? तो so, आपके लिए थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता ही है बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप अक्लमेटाइज अक्लमेटाइज बॉर्ड क्या होता है जब आप थोड़ा यू you नो know, आपकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाती है कि हाँ ठीक है अब ऑक्सीजन कम है बट बॉडी उस हिसाब से फिर ठीक हो जाती है तो आप बीमार फील नहीं करते हो बट स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको ब्रीदिंग इशूज हो सकते हैं एंड एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव सिक्सटी नाइन ये रिस्की हो सकता है राइट right? तो so, ये वही सोच रहे थे कि डेफिनेटली रिस्क था हेल्थ कंसर्न्स थे और रिस्क सबसे बड़ा रिस्क था कि हम इतनी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी की बहुत एफर्ट लगेगा ना साइकिल चलानी पड़ती पेट्रोल से तो चलेगी नहीं तो भाई बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रेनस एक्टिविटी हो जाएगी साथ ही साथ हाई ऑल्टीट्यूड पे है ये तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा रिस्क था बट इट हेल्प दैट वी हैड लिव इन उत्तराखंड कैपिटल देहरादून आर एंटायर लाइफ एंड वर देर फॉर एक्लिमिटाइज टू द क्लोल्ड विन्स एंड नैरोस दैट कैरेक्टराइज दिस ब्यूटिफुल स्टेट तो ये जो है उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं नैरो छोटे छोटे रोड हैं है। और, you know, है, छुटे -छुटे है, वो सब जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं इन सब चीजों की हमें आदत हो गई है तो इसीलिए वो फिर पूरा उत्तराखंड जो है एक्सप्लोर करने के लिए रेडी थे बिकॉज इनकी बॉडी कहीं ना कहीं थोड़ा एडेप्ट हो चुकी थी क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं वी वर ऑल्सो फर्मीलियर विथ ऑलमोस्ट ऑल द सीनिक माउंटेन ट्रेल्स इट हैड टू ऑफर साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इसीलिए भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी जितने भी माउंटेन ट्रेल्स हैं जो माउंटेन के रास्ते हैं जो पार्कस हैं उसको ऑलरेडी हम जानते थे तो डेफिनेटली इनके लिए ईजी हो जाता वहां पर एक्सप्लोर करना शॉर्ट राइड एक्सटेंडेड टू लॉन्गर वन एज बी स्टार्टेड फॉलोइंग डीपर इन लव विथ नॉट जस्ट द स्पॉट बट द वेरी तो सबसे पहले कहते हैं कि शॉर्ट राइड्स एक्सटेंडेड टू लॉन्गर वा हम छोटी छोटी राइड्स पे जाते थे साइकिल पे अब हम बहुत बड़ी बड़ी जर्नीस करने लगे थे एज वी स्टार्टेड फॉलिंग डीपर इन लव बट जैसे जैसे हमको इस चीज़ से प्यार हो गया किस किस से विथ नॉट जस्ट द स्पोर्ट सिर्फ साइकिल चलाने से ही नहीं इनको प्यार हो गया था बट द वेरी आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग अ वर्ल्ड बल्कि ये चीज का आइडिया कि जिस दुनिया में हम इतने टाइम से रह रहे हैं उस दुनिया को हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे उस चीज़ से इनको बहुत ज्यादा प्यार हो गया था always been a part of but never had the time to explore बट डेफिनेटली मतलब आप छोटे होते हो तब आपका स्कूल का देन कॉलेज देन जॉब देन फिर उसके बाद मैरिज देन फैमिली तो उनके पास कभी टाइम ही नहीं रहा राइट बट अब इनके पास टाइम था तो ये बहुत खुश थे कि हमें साइकिल चलाने में भी बहुत मजा आता है साथ ही साथ हम उस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हम कितने टाइम से रह रहे हैं फिर धीरे धीरे ये जो इनकी हॉबी थी जो इनको पसंद था ऐसे ही वो अब इनका सॉर्ट ऑफ एक प्रोजेक्ट बन गया था कि अब ये तो करना ही करना है और फिर धीरे धीरे जो साइक्लिंग यू नो मैराथिन होता है जब साइकिल्स में सब जाते हैं या फिर साइकिल पर ही सब घूमने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ों के ये uh, हिस्सा बनने लग गए admiration and encouragement पोर्ड इन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स and नेबर्स along द वे स्पाकिंग अ न्यू थॉट Was इट पॉसिबल टू ट्रेवल अक्रॉस द स्टेट on our bicycles? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि धीरे धीरे ना हमको एडमायर करने लगे हमारे फैमिली मेम्बर्स पड़ोसी हो गए हमारे दोस्त हो गए हमें एनकरेज करने लग गए कि हाँ आप ये कर सकते हो बहुत अच्छा कर रहे हो और इसीलिए धीरे धीरे हम लोग के दिमाग में आया क्या हम फिर अलग अलग स्टेट में भी अपनी साइकिल पर जा सकते हैं कि नहीं और ऐसा इन्होंने सोचा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोलते स्टार्टिंग में तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर आस इट सीम्ड वेरी इंटरमीडिएटिंग कि बहुत डरावना लग रहा था कि साइकिल पे कहाँ हम इस उम्र में इतने सारे स्टेट्स में ट्रैवल करेंगे बट धीरे धीरे इनको ये था कि हमें पता था कि ये चीज़ हमें ट्राई करनी है तो करनी है कि भैया साइकिल पे तो हमको जाना ही है आर गियर इन प्लेस आर बाइक सर्विस एंड आर माइंड सेट ऑफ ऑन एन एडवेंचर वी वुड रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ आर लाइफ तो फिर ये बोलते हैं कि सब ठीक था साइकिल बढ़िया सर्विसिंग करा ली गियर्स वेयर सब बढ़िया हैं हम भी बिल्कुल बैठ गए और हम निकल गए एक ऐसी जर्नी के लिए जो हम करना चाहते थे दैट इज़ अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनको साइकिल पर डिस्कवर करेंगे In my opinion, there are very few ways to enjoy and appreciate the beauty of Uttarakhand, and cycling is the most thrilling of them all. तो यहाँ पे ये कहती हैं कि बहुत कम ऐसे तरीके हैं जिससे आप उत्तराखंड की जो रियल ब्यूटी है ना क्योंकि बहुत सुंदर जगह ये तो उत्तराखंड की जो रियल खूबसूरती है वो आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कई कम तरीके हैं जो आप कर सकते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग सबसे ज़्यादा एडवेंचरस सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीका अगर कुछ है तो वो है साइकिलिंग करके जाना सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ट्रीज एंडल ब्रीज जेंटली कैरिस एज यू राइड कपल्ड विद्रेड टेकिंग व्यूज ऑफ साल फॉरेस्ट स्प्रेड लाइक अ ग्रीन कवर ऑन द माउंटेन्स एंड सराउंडिंग वैलीज द एक्सपीरियंस ऑफ पैडलिंग अक्रॉस द स्टेट इज ट्रूली इन एक्सप्लीकेबल क्यों दिया है भाई अब आपसे पूछा जा सकता है कि साइकिल की जॉर्नी में ऐसा क्या एक्साइटिंग है ठीक है तो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग ये इसीलिए है क्योंकि जब आप साइकिल से जा रहे होते हो तो पेड़ों से फिल्टर होते हुए सनलाइट या सूरज की रोशनी आप पे गिरती है और फिर आप पे ठंडी ठंडी हवा जो है वो आपके चेहरे को छू के जाती है ऐसा लगता है वो प्यार से आपको टच करके आपको प्यार करते हुए जा रही है देन उसके बाद जो है आप इतने खूबसूरत व्यूज देखेंगे साल फॉरेस्ट के जो पूरे माउंटेन्स को कवर करके रखे हुए हैं और इसी के साथ साथ जो आप पैडलिंग कर रहे हो साइकिल चला रहे हो अक्रॉस द स्टेट ये जो उत्तराखंड के आसपास के पूरे नज़ारे देखते हो आप साइकिलिंग कर रहे हो ये ट्रूली अनेबल टू बी एक्सप्लेन अकाउंटेड फॉर है यानी आप बता नहीं सकते बयान नहीं कर सकते कि ये कितना 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 खूबसूरत एक्सपीरियंस है डन चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफ द मेनी ट्रेल्स वी नैविगेटेड देर इज वन दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस In our hearts. It began from घंटा a popular tourist attraction in इन देहरादून तो ये कहती है कि कई ऐसे पाथ से कई ऐसे रास्ते हैं जो हमने पता लगाए साइकिल चला चला के बट एक है जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए या सबसे ज़्यादा इनके लिए यू नो इनको कोई अगर सबसे अच्छा कोई पाथ लगा हो तो वो ये है जहाँ पर ये घंटा घर से स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही प्यारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है देहरादून में लोग जाते हैं जैसे डेली जाते हो तो आप सारे जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह देख के आते हो ना वैसे देहरादून में घंटा घर बहुत फेमस है इट टूक थ्रू सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर लोकेशंस ऑफ द स्टेट तो ऐसी जगह ऐसी लोकेशन जहाँ फोटोग्राफ्स बड़े अच्छे आते हैं क्योंकि सीन ही इतना खूबसूरत होता है बैकग्राउंड इतना प्यारा होता है तो so, वैसी कुछ जगह हैं जो इन्होंने देखी जैसे कि किमादी हाथी पाव मसूरी ओ माई गॉड मसूरी इज वेरी ब्यूटिफुल चार दुकान राइट अप टू जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट तो इस तरीके से ये लोग इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह जो है वो सब देखने जा पाते हैं तो ये सबसे खूबसूरत पाथ है इनका कि भैया ऐसे जाते ना इस पाथ से तो इनको इतनी प्यारी ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलती हैं दिस हंड्रेड किलोमीटर्स राइड अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली लगभग ये सौ किलोमीटर की राइड है जिन्होंने बाइसिकल पे की है इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू रूट इन उत्तराखंड दैट इन कैप्सुलेट्स ऑल द एलिमेंट दैट वन एक्सपेक्ट्स वाइल्ड साइक्लिंग और ये वन ऑफ द उत्तराखंड का ऐसा रास्ता है जिसमें सारे वो चीजें हैं जो कि आप साइकिलिंग करते वक्त चाहते हो इन कैप्सुलेट्स मीन इनक्लोज समथिंग इन और एज एफ इन अ कैप्सूल एक कैप्सूल है उत्तराखंड जिसमें ऐसे मतलब ये रास्ता है जिसमें सारी वो चीजें जो आपको साइकिलिंग में चाहिए वो सब समाई हुई हैं क्या चीजें चाहिए होंगी आपको Slopes, है ना जहां पर आपको न, ना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो चलाने में जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं लश फॉरेस्ट बहुत हरा भरा जंगल एंड ऑफ रोड एक्सपीरियंसेस और अलग ही जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ना तो आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे वो सारी चीजें यहाँ आप पा सकते हो इस साइकिलिंग के एक्सपीरियंस के दौरान इसीलिए दिस इज समथिंग जिन्होंने बहुत इंजॉय किया तो ये तो खत्म होती है स्टोरी विच इज बाय विश ऑफ दिरमान इंडियन ट्रैवल थर्टी थ्री सिक्सटी और आई होप आपको अच्छी लगी है अपने पेरेंट्स को जरूर बताना कि दिस इज सो क्यूट दिस इज सो ब्यूटिफुल दैट इवन आफ्टर अटेनिंग एन एज या आफ्टर काइंड ऑफ यू नो डूइंग ऑल द थिंग्स इन लाइफ आप अपनी लाइफ जी सकते हो सो दिस इज समथिंग विच आई टोटली लव आप चलिए इस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं आपको दिया है सबसे पहला क्वेश्चन विच सेज़ What is the meaning of the expression when our peers were slowing down, relaxing, and watching sunsets from their front porch? And in what context has the author used this? So, so this particular लाइन है यहाँ पे ऑथर ये कह रही हैं कि भाई जो भी जितने भी उनके दोस्त हैं या जितने भी यू नो उनके एज के लोग हैं वो सब अब धीरे धीरे स्लो डाउन होना चालू हो गए कि भाई अब लाइफ में थोड़ा यू नो एज वेज हो गई है तो थोड़ा रिलैक्स कर लें हम सनसेट वगैरह घर पे बैठ के आराम से देख रहे हैं तब ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं साइकिल पर एक्सप्लोर कर रहे हैं जगहों को और ये इसीलिए कहना चाह रही थी कि भैया ये बहुत डिफरेंट हो गया है ना यूजुअल प्लान्स जो होते हैं इस एज पे वो होते हैं यही होते हैं रिलैक्स करना यू नो चिल करना बट इनका प्लान बहुत अलग है और वो क्या था कि ये जो दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कोने हैं उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं सो द ऑथर वॉन्ट्स टू हाईलाइट दैट ऑल हर फ्रेंड्स हैड स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल एंड रिलैक्स लाइफ आफ्टर देयर रिटायरमेंट बट बोर्ड ऑफ देम यानी बोर्ड द हजबेंड एंड वाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स इन देयर माइंड बट इन लोग का अलग ही प्लान था ऑल्सो इफ यू वॉन्ट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो दोन्ट्स टू हाईलाइट दट ऑल हर फ्रेंड्स अ नॉर्मल लाइफ रिलैक्स लाइफ आफ्टर दियर रिटायरमेंट

कॉन्फिडेंट टू वेंचर इंटू उत्तराखंड ऑन द बाइसिकल्स भाई ऐसा क्या था कि भाई ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये साइकिल पे निकल जाएंगे उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके लिए आ, आ, जो मेन एक बोल सकते हैं रिस्क होता वो होता हेल्थ रिस्क है ना कि भाई इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर चला रहे हैं साइकिल इस एज पे तो थोड़ा रिस्की हो सकता था बट इनके लिए ये नहीं था क्योंकि ये लाइफ टाइम इतने हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह उत्तराखंड की देहरादून में रह चुके हैं तो इनको लगता है कि इनकी बॉडी ऑलरेडी अकलीमेटाइज कर चुकी है अडैप्ट कर चुकी है इस एनवायरनमेंट को इस यू uh, नो you know, पूरा हाइट ऑक्सीजन ठंड इन सबको तो इसीलिए इनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा दैट्स व्हाई दे फेल्ट कि ये कॉन्फिडेंट थे इतना कि भाई हाँ ये कर सकते हैं इस एडवेंचरस जर्नी को स्टार्ट तो वे शर्व एंड हर हजबेंड वो कॉन्फिडेंट टू वेंचर इन टू उत्तराखंड एज दे हैड लिव्ड इन उत्तराखंड कैपिटल देहरादून देर एंडर लाइफ्स क्योंकि वो पूरी जिंदगी वहीं पर रहे हैं एंड व देफो अक्लिमिटाइज टू द कोल्ड विंडस एंड नैरो विंडिंग रोड्स तो जो बिल्कुल पतली पतली सी सड़कें होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी वो ऐसा था कि इनकी बॉडी अडाप्ट हो चुकी थी इसको बिकॉज बहुत टाइम से यहीं रह रहे हैं तो इतना कोई हेल्थ रिस्क या यू you नो know, रिस्की सा कुछ नहीं होता डन ओके okay. Next, third question What was the strong passion that prompted the retired couple to take up this adventurous journey? तो भाई ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग पैशन था इनका जिससे इन्होंने एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट करने का सोचा तो इन्होंने लिखा है कि सब जब रिलैक्स कर रहे थे तब इनको एक पैशन स्टार्ट किया इन्होंने और वो था साइकिलिंग या बाइसिकल चलाना तो उस साइकिलिंग करने का इनका छोटा छोटा राइड करना थोड़ी थोड़ी दूर तक जाना ये सब इनको इतना अच्छा लगा कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि क्यों ना हम और बड़ी जर्नीस जो हैं वो हम साइकिल पर बैठ के करें या फिर हम और जगह जो हैं वो एक्सप्लोर करें स्ट्रॉ पैशन ऑफ साइकिलिंग एट ऑफ डिस्कवरिंग प्रमोटेड कपल टू टेक अपर एडवेंचरस जर्नी तो एक जो स्ट्रॉन्ग पैशन था साइकिल चलाने का या you know, पूरी दुनिया को ये कुछ ऐसा था जो ये हमेशा से इस चीज का पार्ट बनना चाहते थे अब बाइसिकल प्रमोटेड द रिटायर्ड कपल टू तो टेक अप देयर एडवेंचरस जर्नी तो ये साइकिल था जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप बोल सकते हो साइकिलिंग जो एक ऐसा पैशन था इनके लिए जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम साइकिल पे पूरा जो ये स्टेट है या अदर स्टेट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करें डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट थ्रिलिंग वे टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट उत्तराखंड व्हाई डस शी से सो तो ये कह रही है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है मतलब ऑथर के हिसाब से सबसे मजेदार सबसे थ्रिलिंग तरीका क्या है उत्तराखंड की रियल ब्यूटी को एंजॉय करने का तो वो है साइकिलिंग है ना तो ये कहती है कि बहुत कम तरीके हैं उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के डेफिनेटली बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे छोटी छोटी सड़कें तो आप हर तरीके से नहीं घूम सकते यहाँ पर और उन कम तरीकों में से सबसे बेस्ट या सबसे थ्रिलिंग होता है साइकिलिंग क्योंकि साइकिलिंग के दौरान आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी उत्तराखंड में जो आप इंजॉय करना चाहेंगे जैसे कि स्लोपी एरिया जैसे कितना सारा फॉरेस्ट वाला एरिया यू नो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सनलाइट फिल्टर होकर आ रही है तो ये सब आप साइकिल पे ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द मोस्ट thrilling way to enjoy and appreciate Uttarakhand. It is so because sunlight filtering through the trees and a cool breeze gently caressing their faces as they ride, coupled with breathtaking views of sal forest spread like a green cover on the mountains and surrounding valleys, truly inexplicable. यानी yani आप बयां भी नहीं कर सकते इतना खूबसूरत पूरा surroundings होता है यानी इतना ज़्यादा बढ़िया experience होता है जब आप cycle पे Uttarakhand को explore करते हो. तो उनके हिसाब से cycling करके यहाँ साइकिल उत्तराखंड को एक्सप्लोर करना सबसे मजेदार सबसे थ्रिलिंग तरीका है डन ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की विच ट्रेल अ स्पेशल प्लेस इन द कपल्स हार्ट तो कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट इनका पाथ है या ट्रेल है जो इनको बहुत अच्छा लगता है या इनके दिल के बहुत करीब है वो है वो रास्ता जो घंटा घर से स्टार्ट होता है और वो जो एवरेज पॉइंट है वहां तक के लिए बताया ठीक है सो द ट्रेल फ्रॉम घंटा घर टू जॉर्ज एवरेज पॉइंट ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन द कपल्स हार्ट ऑल्सो अगर आपको और बताना है कि इस पूरे रास्ते में क्या क्या देख सकते हैं जो बताया भी हुआ है आप वो भी लिख सकते हो सो so घंटा घर से लेके जॉर्ज एवरेज पॉइंट तक का जो भी पूरा रास्ता है वो बहुत स्पेशल है इस कपल के लिए डन ओके नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ साइक्लिस्ट फ्रॉम सच एन एडवेंचरस ट्रिप

इनको मिली है एंड दे टोटली एंजॉय द राइड सो अ एक्सप्रेस एक्सपेक्ट्स स्टीप स्लोप्स शार्प कर्व एंडलेस हिल्स लश फॉरेस्ट एंड ऑफ रोड एक्सपीरियंसेस तो ये सब एक्सपेक्टेशंस होते हैं सबको इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी जब हम पैसेज पढ़ रहे थे एंड येस द कपल गॉट दिस फ्रॉम दिस हंड्रेड किलोमीटर्स राइड तो ये सौ किलोमीटर्स की जर्नी जब इन लोगों ने की दैट टाइम दे ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस एंड दे काइंड ऑफ या ऑल दी थिंग्स दैट अ अलिस्ट नीड्स क्लियर ओके नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी दूसरी रीडिंग पार्ट पे विच इज गोइंग टू बी द टेक्स्ट टू ये भी साइकिल से रिलेटेड कुछ है बहुत बहुत मजेदार है

With lifted feet, विथ still, I am poised down the hill. डाउन with हिल mind, the air goes by in a wind. अब यहाँ क्या दिया हुआ है With lifted feet. तो साइकिल पे पैर उसने पूरे उठा दिए हैं ठीक है आपने कई बार देखा होगा यहाँ आप में से कई बच्चे भी होंगे जिन्होंने साइकिल चलाते वक्त ऐसी स्टंट्स किए हुए हैं ठीक है तो थोड़ा रिस्की है आप इधर उधर गए तो गए फिर तो अब पूरे इन्होंने हाथ छोड़ दिए हैं पैर पूरे फैलाए हुए हैं तो वही वो बता रहे हैं कि लिफ्टेड फीट हाथ पैर जो है वो पूरी तरीके से उठा लिए हैं हैंड स्टिल हाथ अपने बिल्कुल ऐसे रख दिए हैं एक जगह पे हिल नहीं रहे हैं स्टिल हैं आई एम पॉइज एंड डाउन द हिल मैं पूरी तरीके से स्टिल हूँ शांत हूँ क्योंकि अगर ये थोड़े से भी हिले तो सीधे इधर उधर जाके गिर जाएंगे और ये कहाँ जा रहे हैं हिल की नीचे की तरफ जा रहे हैं आप देख सकते हो नीचे ढलान की तरफ इनकी साइकिल जाती जा रही है डांट

and yet more swift till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh the throat cry o oh bird see see bird i fly ab yahan par hi kya bolte hain swifter and yet more swift swift kya hota hai aur speed mein hai na swift means speed mein to ye keh rahe hain main aur zyada speed mein और ज्यादा speed में cycle चलाता जा रहा हूँ तब तक speed बढ़ाता जा रहा हूँ जब तक कि मेरा जो दिल है till the heart with a mighty lift. या जब तक मेरा दिल जो है वो खुश नहीं हो जाता कि अरे वाह बहुत मजा आ रहा है तब तक मैं स्पीड बढ़ाती जा बढ़ाता जा रहा हूँ मेक्स द लंग्स लाफ इतनी जोर जोर से जब आप हंसते हो तो आपके लंग्स मतलब यहाँ पर जो ये चेस्ट एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है हंस के बोलते हो कि बस अब दुख रहा है है ना दैट इज बॉड कि भाई जो लंग्स हैं वो भी हंस रहे हैं तब तो खुश है ये एंड द थ्रोट क्राई तो जब आप साइकिल पे चलोगे बहुत तेज तेज तो आप खुश हो रहे हो हंस रहे हो मुंह खुला रहेगा तो आपका जो गला है वो दुख जाएगा और पूरा मुंह सूख जाएगा दैट इज जो थ्रोट है गला है वो रो रहा है बट दिल बड़ा खुश है और जो लंग्स हैं बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं ज़ोर जोर से हंस रहे हैं को देखकर बोल रहे हैं कि, अरे पक्षी देखो मैं भी उड़ रहा हूँ. क्योंकि इतने खुश हैं, हवा चल रही है मस्त अपनी साइकिल उनकी स्पीड में चला रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद भी उड़ रहे हैं is this, is this joy? Oh bird, then I, though a boy. फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदरी लाइफ इन एयर तो यहां पर ये पक्षी से ही बात कर रहे हैं बर्ड से ही बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि या क्या ये ये तुम्हारे लिए जॉय है क्या ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है तो फिर पक्षी देखो मैं भले ही एक ह्यूमन हूं एक लड़का हूँ फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदरी लाइफ इन एयर बट ये जो मोमेंट है उनके लिए गोल्डन मोमेंट है बहुत ही बढ़िया पल है इस बच्चे के लिए क्योंकि वो ये वही मोमेंट शेयर कर रहे हैं वही फीलिंग शेयर कर रहे हैं जो कि बर्ड जो है अपने लाइट से पंख फेदर्स के साथ जब उड़ती है तो वो फील करती है वैसे ही ये बॉय भी इस हवा में बढ़िया चले जा रहे हैं स्लोप पे तो वैसा फील कर रहे हैं डन ओके से हार्ट इज देयर ऑट लाइक दिस इन वर्ल्ड दैट इज skating बाउंड स्टील शॉर्ट टू द लेवल

इज देयर एनी थिंग एट ऑल लाइक दिस तो वो अपने दिल से पूछ रहे हैं, बताओ कि ऐसा कुछ और है मतलब इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है साइकिल चल रही है अपनी स्पीड पे हाथ जो है स्टिल हैं पैर बाहर हैं और बढ़िया हवा चल रही है और ये आ, हिल के थ्रू नीचे जा रहे हैं स्पीड में तो उनको ये बहुत मजा आ रहा है तो ये सोच रहे हैं कि इसके अलावा कुछ है ऐसा कुछ एंड इन वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेस मतलब जो पूरी दुनिया है जिसमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें उसमें इससे प्यारा कुछ है क्या इट इज मोर देन स्केटिंग बाउंड स्टील शॉर्ट टू द लेवल ग्राउंड और ये डेफिनेटली स्केटिंग से भी ज्यादा है, है? तो करने से भी ज्यादा मजेदार है ये टू द लेवल ग्राउंड यानी कि स्टील के शूज आप ग्राउंड पे रख के फिर स्केटिंग करते हो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं डन ओके स्पीड स्लैक नाउ आई फ्लोट वीबोड

क्रॉल अब वो उस समय तक तैर रहे हैं या से उड़ रहे हैं जब तक इनके पहिए जो है साइकिल के वो आप क्रॉल नहीं कर रहे हैं धीरे 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 रेंगने की स्थिति में आ गए हैं माई फीट टू द ट्रेडल्स फॉल ट्रेडल्स अ लीवर वर्क बाय द फुट एंड इम्पार्टिंग मोशन टू अ मशीन तो ऐसे नहीं लगा होता है जिसपे आप पैर लगाते हो तो फिर साइकिल चलती रहती चलती रहती है तो अब फाइनली जब स्पीड कम हो गई है साइकिल खुद ब खुद अब धीरे धीरे क्रॉल होने लगी है तो खुद ब खुद इस बच्चे के पैर जो है वो उस लीवर पे आ गए जिससे अब ये साइकिल को कंट्रोल करके चला सकता है डन ओके अलास दैट द लॉन्गेस्ट हिल मस्ट एंड इन अ वेल बट स्टिल हु क्लाइम्स विथ टॉयल वेर स्वेवर शैल फाइंड विंग्स वेयरिंग देयर अब यहां क्या लिखा है अलास अलास क्या होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड जब आप बड़े दुखी होते हो ना तब आप यूज़ करते हो तो यू आर लाइक ओ माय गॉड ये सबसे बड़ी हिल थी मास्ट स्टैंड इन अ वेल वेल मीन्स अ वैली अब ये वैली में खत्म हो जाएगी यानी सबसे बड़ी हिल थी अब खत्म हिल अब ये वैली आ गई है बट स्टिल फिर भी हु क्लाइम्स विथ टॉयल कौन इतनी मेहनत करके हार्डवर्क करना टॉयल मीन्स एक्सट्रीमली हार्डवर्क करना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके कौन क्लाइम करता है चलो कहीं पे भी एंड अगर आप जो है यहाँ पर आ, कि इस, इस हिल में अगर चलाना चाहते हो या इस जो हिल है उसको क्लाइम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पंख मिल जाएंगे अगर आप पंखों को सर्च कर रहे हो यानी कि आप जो है इस जगह पे स्लोप पे साइकिल के साथ इस तरीके से जा सकते हैं जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हैं तो इस बच्चे के लिए साइकिलिंग का ये एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही मजेदार है क्योंकि इनके लिए साइकिल चला नहीं रहे बल्कि उड़ा रहे हैं तो अब ये थोड़े दुखी है कि अब ये राइड खत्म हो गई बिकॉज स्लोप खत्म हो गया बट ही इंजॉयड लॉट एंड वो सबको कह रहे हैं

आई होप यू लाइक द पोम चलिए क्वेश्चन देखते हैं द पोम डिस्क्राइब्स द ब्लैंक ऑफ गोइंग डाउन हिल ऑन बाइसिकल तो साइकिल पर बैठ के किसका नीचे जाने का बात कर रहे हैं वो द पोम डिस्क्राइब्स द एंजॉयमेंट द पोम डिस्क्राइब्स द हैप्पीनेस द एक्साइटमेंट द सेटिस्फैक्शन तो ये बहुत क्लोज वर्ड्स हैं कितने बच्चे होंगे जिनको एंजॉयमेंट अच्छा लग रहा होगा जिनको हैप्पीनेस भी सही लग रहा होगा एक्साइटमेंट भी satisfaction भी बट देखिए इस साइकिल पे बैठ के उसने क्या एक्सप्रेस किया है सबसे क्लोज ऑप्शन पे जाएंगे हम तो साइकिल पे बैठ के जो बच्चा है वो ये बता रहा है कि उसने क्या क्या इन्जॉय किया है ना तो वो मस्त बैठा है और उसका ऐसा लग रहा है वो उड़ रहा है वो फैदरी मोमेंट जो है वो शेयर कर रहा है तो उसके लिए ये इन्जॉयमेंट है इसीलिए आप यहाँ सबसे क्लोज जो आंसर देख सकते हो वो एन्जॉयमेंट है ठीक है फिर अगर हमको सेकेंड किसी को नंबर देना है तो आप एक्साइटमेंट को दे सकते हैं एंड हैप्पीनेस थर्ड और सेटिस्फैक्शन को दिया ही नहीं हुआ है कुछ तो वो फिर भी आप एलिमिनेट कर सकते हो बट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है इन्जॉयमेंट डन ओके सेकेंड Which line, yeah, which lines depict the freedom like that of a bird that the poet enjoys? So bird-wala, wo nahi golden moment, um, feathery-wala. to wo aap sakte ho. The lines which depict the freedom like that of a bird enjoys are: Birds see, see birds fly, and for a golden moment, share your feathery life in air. तो पहला लाइन ये है बर्ड सी सी बर्ड्स फ्लाई मतलब बर्ड्स आई फ्लाई है आई थिंक कि देखो देखो पक्षी को बोल रहे हैं वो देखो मैं उड़ रहा हूं और दूसरी चीज क्या है फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदरी लाइफ इन एयर तो पोम की ही लाइन से सीधे सीधे आप वहां जाके देख सकते हो कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जिसमें बर्ड्स वाला इंजॉयमेंट जो है पोइट जो महसूस कर रहे है वो बताया गया है ओके चलिए थर्ड पे आते हैं विच इज़ द एक्सपीरियंस द बॉयज शेयरिंग विद द बर्ड वॉट इज द गोल्डन मोमेंट ही इज रेफरिंग टू तो वो क्या चीज़ है जो शेयर कर रहे हैं तो उड़ने का है ना जैसे बर्ड हवा में उड़ रही हैं वैसे ये है, हिल के थ्रू जब ये नीचे जा रहे हो तो ऐसा इनको लग रहा है कि उड़ रहे हैं उस हवा में और गोल्डन मोमेंट यही है दैट ही कैन फ्लाई सो वेन द बॉय इज राइडिंग अ बाईसिकल डाउन द हिल्स ही फील्स एज इफ ही इज फ्लाइंग गोल्डन मोमेंट दॉक इन एयर तो जैसे पक्षियों का गोल्डन मोमेंट जो होता है ना कि जब ये बिल्कुल पंखे से फैला के उड़ते रहते हैं हवा में अलग ही बिल्कुल आ, मस्त लाइफ तो वही सेम चीज ये फील कर रहे हैं इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं शेयर कर रहा हूं उस गोल्डन मोमेंट को क्लियर ओके फोर्थ है What is the meaning of full of bliss? Can the boy find this kind of bliss in the world where he lives? तो so, bliss का meaning आपको पता होगा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी ठीक है extreme happiness उसको bliss कहते हैं तो क्या इस बच्चे को ये चीज़ बिल्कुल महसूस हुई है Yes, definitely because he loved this. Uh, bicycle ride. So, full of bliss means an extreme state of happiness. No, the boy finds it more blissful than anywhere and anything else. अच्छा ठीक है आपसे ये भी पूछा है कि क्या उसको ये same bliss कहीं और मिल सकती है तो नहीं इसको सिर्फ साइकिल चलाते वक्त ही ये खुशी मिलती है और ये जो एक्सपीरियंस हुआ उसका उसके अलावा इतनी खुशी उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती कैसे प्रूव करोगे ये लिखा भी हुआ है कि हार्ट हम कैन यू फाइंड दिस ब्लेस यू नो एनी वेयर एट ऑल तो जहाँ पर दिया हुआ है ऑट वर्ड दिया हुआ है तो क्या कहीं और तुम ऐसा महसूस कर सकते हो इसका मतलब इस बच्चे के लिए इतना ज़्यादा जो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है वो सिर्फ यही है इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं है डन ओके नेक्स्ट है तो सबसे पहले में चले जाते हैं, हैं। ताकि आपको और पता रहे रहे कि भैया हम क्या compare कर रहे हैं। so, वो हैं से हो रही है, फर्स्ट स्टैंडा सेकेंड थर्ड स्टैंडा ठीक है इज दिस इज दिस योर जॉय ओ बॉय फॉर अ गोल्डन मोमेंट शेयर लाइफ इन द एयर तो बर्ड से पक्षी से कंपेरिजन हो रहा है तो so, वही आपको बताना है फटाफट पड़ से देख लेते हैं इसका आंसर सो इन द द थर्ड बॉय हैज बॉयपेड हिज जॉय राइट टू दैट ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग फ्रीन एयर तो मतलब जो पक्षी बिल्कुल हवा में खुल के उड़ रहा है उसी से कंपेयर किया है इसने अपनी साइकिल की राइट को डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोव टॉयल मीन डेडिकेशन डिटर्मिनेशन एंड विल पार टू क्लाइम द हिल वट इज द रिवॉर्ड हेयर तो तीन प्रश्न है ठीक है लास्ट टू लाइन्स का मतलब क्या है फटाफट से देख लेते हैं लास्ट टू लाइन्स क्या है हु क्लाइम्स विद टॉइल वेर सो एवर wings वेटिंग here. ठीक है तो ये दो लास्ट लाइन्स हैं. फटाफट फड़ से देख लीजिए यस yes, और वर्ड टॉयल का मतलब क्या होता है तो एक्सट्रीम हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन डेडिकेशन विल पार सब कुछ है तो यस आप लिखेंगे और बाकी आंसर देखते हैं चलो सो यस द वर्ड टॉयल इन द लास्ट टू द पर्सन वुड फील एज इज फ्लाइंग तो ये uh, पूरा मीनिंग भी दिया है आपको रिवॉर्ड भी दिया हुआ है इन दो लाइंस का ठीक है तो आपको अगर और लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो इन द लास्ट टू लाइंस द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट व्हेन यू वुड क्लाइम

जो आपको ढूंढने हैं सो फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट मैडम राइट दैट मैच विद द गिवन मीनिंग्स तो कुछ वर्ड्स आपकी बुक में हैं मैडम राइट द बस के चैप्टर में और उन वर्ड्स का मिलता जुलता मीनिंग जो है या सिनोनिम जो है वो आपको यहाँ दिया है तो ले देखे इनक्विजिटिव जो वर्ड है उसी का मीनिंग वाला वर्ड कौन सा आपके चैप्टर में यूज किया है वो आपको लिखना है ठीक तो है तो इनक्विजिटिव है इंट्रीकेट मेसमराइजिंग इमेंस और हार्डली इनक्विजिटिव कौन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं ना जानने के कि भैया मुझे भी पता हो मुझे वो भी पता हो जैसे छोटे बच्चे होते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं भाई हर चीज में क्वेश्चन करते हैं ये है तो ऐसा क्यों है ये है तो ऐसा क्यों है इधर पे क्यों बना हुआ है अंकल ऐसे क्यों है ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो बच्चे हमेशा प्रश्न बहुत करते हैं जिनके जवाब आपको देने चाहिए कभी इग्नोर मत करो बिकॉज बच्चों का लर्निंग टाइम होता है वो और आप अगर तब कुछ अच्छा जवाब दे सकते हो तो दो बच्चा को सीखेगा गए ठीक है तो इनक्विजिटिव मतलब जो बड़े क्यूरियस होते हैं तो बहुत क्यूरियस थी कौन वल्ली तो आप क्यूरियस वर्ड लिख सकते हो इंट्रीकेट मतलब बहुत ही डिटेल्ड ठीक है माइन्यूट माइन्यूट सी बारीक बारीक सी जो होती है ना इन्फॉर्मेशन इज मेस मराइजिंग तो पता ही है बहुत ही बढ़िया जिससे आप खुश हो जाओ इमेंस मतलब बहुत सारा ठीक है एट लाइक अ वेरी लार्ज लेवल और हार्डली मतलब मुश्किल से अब इन सब मीनिंग्स के जो वर्ड आपके चैप्टर में दिए हुए हैं वो देख लो इंक्विजिटिव का दिया हुआ है क्यूरियस चाहिए तो बुक खोल के फर्स्ट में देख भी सकते हो क्यूरियस का क्या सेंटेंस बना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा इंट्रीकेट का दिया है इलेबोरेट तो मैं बता भी देती हूँ क्यूरियस वल्ली के माइंड के लिए यूज़ किया कि भाई वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है उनको बहुत जानना होता है हर चीज़ को इलेबोरेट जो है इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे मतलब इतनी इतनी सी बात को भी ध्यान में रख के वल्ली ने प्लान बनाए तो एलैबोरेट प्लान बनाए मतलब फैसिनेटिंग ठीक है तो फैसिनेटिंग सा एक्सपीरियंस था वल्ली का इमेंस मतलब अनएंडिंग तो अनएंडिंग जॉय था वल्ली के लिए वहां खड़े होके यू नो हमेशा न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स से भरी हुई बस को देखना सो अनएंडिंग जॉय इमेंस ठीक है एंड नेक्स्ट है हार्डली मतलब मुश्किल से ओनली वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे क्लियर ओके okay. रीड द टू गिवन बिलो द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेज़ल वर्ब्स तो आपको यहाँ इटैलिक्स में कुछ कुछ दिया हुआ है पिक अप गेट ऑन ठीक है ये सब क्या है ये फ्रेजल वर्ब्स हैं ठीक है ठीके? अब इस पर बात करेंगे दिस वे शी पिकड अप वेरियस मॉल डिटेल्स और इस तरीके से पिकअप करना मतलब यू नो इकट्ठा करना ठीक है तो इस तरीके से उसने कुछ छोटी-छोटी छोटी-छोटी जानकारी एकत्रित की वल्ली सेरा आई एम द वन टू गेट ऑन वल्ली ने कहा मैं हूं जिसे बस में चढ़ना है तो गेट ऑन का मतलब यहाँ पे क्या है बस में चढ़ना और यहाँ पिक अप का मतलब क्या है सारी जानकारी एकत्रित एक करना हासिल करना द वर्ब्स पिकड एंड गेट आर कंबाइंड विद अप एंड ऑन रेस्पेक्टिवली को साथ जोड़ा है और गेट को ऑन के साथ जोड़ा है टुगेदर दे मेक फ्रेजल वर्ब्स और एक साथ जुड़कर ये फ्रेजल वर्ब्स बना रहे नाउ कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अ वर्ब फ्रॉम बॉक्स ए एंड अ वर्ड फ्रॉम बॉक्स बी तो आपको वर्ब दिया हुआ है ए में और एक वर्ड दिया हुआ है बी में आपको इनको जोड़कर फ्रेजल वर्ब बनाना है एंड करेक्ट फ्रेजल वर्ब को जहां पर भी जरूरत है वहां पर प्लेस करना है ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली तो आपको वर्ब्स दिए हुए हैं ब्रेक तोड़ना ड्राइव गेट फिल वेक और आपको यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं आउट डाउन ऑफ ऑन इन ठीक है सो ब्रेक डाउन या आप कुछ और लिख रहे हो वेक अप लिख रहे हो टर्न ऑन लिख रहे हो तो भैया क्यों लिख रहे हो क्या मीनिंग है और आप कहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हो वो दिया हुआ है ठीक है तो चलिए फटाफट -फड़ से पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए हैं. इट वॉज इवनिंग शी ब्लैंक द लाइट भाई शाम हो चुकी थी तो उसने लाइट को क्या किया शाम होती है तो लाइट बंद करते हैं कि चालू करते हैं चालू करते हैं तो आप क्या बोलते हैं प्लीज टर्न ऑन द लाइट या स्विच ऑन कहते हो बट स्विच दिया नहीं है टर्न जरूर दिया तो आप टर्न ऑन यूज कर सकते हैं राइट ओके डू नॉट ब्लैंक रमेश ही वॉज स्टार्टिंग लेट एट नाइट यस्टरडे ये एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है कॉमन सेंटेंस जो हमारी मम्मी यूज करती है ठीक है कि भाई उसको मत उठाओ वो रात भर देर रात तक पढ़ रहा था है ना तो मत उठाओ बोलते हैं तो यहाँ उठाने को क्या बोलोगे वेक अप सो डू नॉट वेक अप रमेश नेक्स्ट द स्कूल बस ब्लैंक एंड हैड टू बी टोड टू द गैराज फॉर रिपेयर भाई टोड कब करके जाओगे टोइंग कब करोगे बस की जब वो खराब हो जाएगी तभी रिपेयर कराओगे तो बस खराब हो गई तो द स्कूल बस ब्रेक डाउन कहेंगे क्योंकि हम ब्रेक डाउन ही पढ़ रहे हैं पिछले वाले चैप्टर में भी हमने ब्रेक डाउन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था तो आप लिख सकते हो दे गॉट इन द कार एंड ब्लैंक और फिर क्या ड्राइव कुछ तो करके लिख सकते हो या गेट ऑन लिख सकते हो या कुछ तो है वो अब हम देखेंगे ठीक है फिर बचता है शी हर्ट कार उसको चोट लग गई आर शी वॉज ब्लैंक ऑफ द कार एंड देन यू हैव टू ब्लैंक द फॉर्म दिल्ली फिलअप है जो हम ऑलरेडी जानते हैं ठीक है कुछ है तो शायद आपके लिए नए फ्रेजल वर्ब्स होंगे तो वो अब फटाफट से देख लेते हैं तो सबसे पहला दिया हुआ है इट वॉज इवनिंग शी टर्न ऑन द लाइट तो टर्न और ऑन को जोड़कर बोला टर्न ऑन तो उसने लाइट चालू कर दी क्योंकि शाम हो गई थी तो अंधेरा हो गया था Do not wake up Ramesh. He was studying late at night yesterday. रमेश को मत उठाइए क्योंकि वो रात भर देर तक पढ़ रहा था The school bus broke down, यानी खराब हो गई गाड़ी and had to be towed to the garage for repair. They got in the car and drove off. गाड़ी में बैठे और ड्राइव कर ड्रोव यानी गाड़ी चलाकर चले गए ड्रोव ऑफ She she herself as she was getting out of the car. जैसे ही वो कार से उतर रही थी उसको लग गई चोट लग गई And you have to fill in the form yourself. सेल्फ fill up the form भी कहते हैं आप पता नहीं दिया है कि नहीं wake up दिया है तो आप वो भी लिख सकते हो So you can fill in the blanks होता ना से तो fill in the form uh, by yourself. तो आपको खुद ही से ये फॉर्म भरना है ईजी ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं Use capital letters and full stops wherever necessary and correct the spelling errors as well in the following paragraph. तो so, आपको कई चीजें दी हुई हैं यहाँ पे गलतियाँ भी हैं, spelling की, full stop और ये सब भी नहीं है punctuation वाली exercise है जो आपको करनी है। So an exciting boat journey gliding across wise the river from goatkhali jetty with take to a place of incredible mystic beauty of nature. The Sundarban's a UNESCO UNESCO अमेरिका कैपिटल में होता है, ठीक है? So UNESCO World Heritage Site

ब्रह्मपुत्र एंड मेघना अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या कैपिटल वाला प्रॉब्लम है जो आप कर सकते हो सॉल्व इट इज वन ऑफ दी अब यहाँ देखो एक साथ ही पढ़ लिया फुल स्टॉप किधर गया सब गलतियां आपको दिखती जा रही हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड अलिंग प्लेसेज रिमेनिंग ऑन अर्थ अ ट्रूली अनडिस्कवर्ड पैराडाइज पैराडाइज क्या होता है स्वर्ग ठीक है द सुंदर बंस इज अभी देखो पैराडाइज खत्म हुआ फुल स्टॉप लगाना भूल गए तो और सीधे द को लिख दिया है फुल स्टॉप लगाएंगे तो द का टी भी कैपिटल होना चाहिए जो नहीं किया जैसे यहाँ का होना चाहिए सो द सुंदर लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल अभी ये क्या होता है है ना विदाउट मतलब uh, आपने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया तो स्पेलिंग गलत हो गई तो स्पेलिंग हाँ, सही करेंगे हम ब्लॉक ऑफ हेलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आई थिंक इसके बाद कोई पैराग्राफ है क्या ये yes, अभी भी है इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व रिजर्व की स्पेलिंग देखिए नेशनल पार्क अपार्ट फ्रॉम अ यूनिक लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड द सुंदर बंस हैज बंस की स्पेलिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टे मैंग्रोवेस्ट एंड इज ऑल्सो होम टू वन ऑफ इंडिया स्पीशीज द रॉयल बंगालगर वाह टाइगर की स्पेलिंग द सुंदर बंस ऑल्सो सर्व एज्रूशियल क्रूशियल की स्पेलिंग एस दिया हुआ है प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द इनहेबिटेंट्स की स्पेलिंग इन एंड अराउंड कोलकाता अगेंस्ट द फ्लैट दैट रिजल्ट फ्रॉम द साइक्लोन्स विच आर अगुलर ऑक्रंस हैव बीन एनलिस्टेड अमंग्स द फाइनलिस्ट इन द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ नेचर तो गलतियां पता चल गई फटाफट से आंसर्स देखते हैं अब फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या गलतियां हैं जो किस में दी हुई हैं और इसको आप समझते भी जाएंगे ठीक है अब रीड नहीं करेंगे सिर्फ एन एक्साइटिंग बोट जर्नी ग्लाइडिंग क्रॉस वाइज द रिवर फ्रॉम गोड खाली जेट्टी क्योंकि ये नाम है तो आपने इसे कैपिटल करना है विल टेक टू अ प्लेस ऑफ इनक्रेडिबल मिस्टिक ब्यूटी ऑफ नेचर तो एक बहुत ही बढ़िया सी बोट जर्नी है अगर आप नाव में बैठ के जाएंगे तो ये जो है नदी के थ्रू निकलेगी ठीक है एक जगह पे और आपको लेके जाएगी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह पे जहाँ प्रकृति का एक अलग ही यू नो ब्यूटिफुल सा व्यू देखेंगे द सुंदर बांस क्योंकि आपने सुंदर बंस के बारे में बताया है तो आप कॉमा इसलिए लगा रहे बिकॉज आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड दे रहे हो तो आप यहाँ कॉमा लगा के थोड़ा पॉज लोगे ठीक है साथ ही साथ आप यहाँ सुंदर बंस लिखेंगे जहां पे भी उसमें एस को कैपिटल ही रखेंगे बिकॉज इट्स क्लियर द सुंदर तो भी शॉर्ट में लिखते हैं तो सारे कैपिटल लेटर्स लिखते हो वो यूनेस्को हो वो डब्ल्यू एच हो वो यूनिसेफ हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आप इनमें से जो लिखिए सबको कैपिटल में लिखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको भी ऐसे लिखते हैं वर्ल्ड में डब्ल्यू कैपिटल एच कैपिटल साइट कैपिटल साइट में एस कैपिटल ठीक है सो ऐसे लिखना है इसको इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द ट्वेंटी फोर पैरागनास डिस्ट्रिक्ट अबाउट हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर्स फ्रॉम कोलकाता तो जहां पर नाम दिख रहा है कृपया करके उसे कैपिटल करें हम साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ वाली जो चीज है इसमें कभी कभी कैपिटल करते भी हैं नहीं भी करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बट क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो करना चाहिए डन ओके इट गॉन्ट इट्स नेम अब कोलकाता के बाद फुल स्टॉप होना ही चाहिए क्योंकि अब आप नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करो जैसी फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम लेटर को कैपिटल जरूर करते हैं इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम वन ऑफ द मैंग्रोव प्लांट्स नोन एज सुंदरी हेरिटीरिया माइनर इसका साइंटिफिक नेम है और ये क्या है मैंग्रोव प्लांट्स हैं ठीक है स्पेलिंग देख लीजिए जिसे सुंदरी कहा जाता है क्योंकि नाम है तो ऐसा है और इसीलिए सुंदर बंस जगह का नाम है सुंदरबंश अब यहाँ पर फिर फुल स्टॉप है सुंदर का इस तो वैसे भी कैपिटल आना है और अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंश जो है वो जो भी वर्ल्ड का डेल्टा है उसका सबसे बड़ा पार्ट है पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा यानी सबसे बड़ा डेल्टा का पार्ट है फॉर्म्ड बाय द माइटी रिवर्सा रिवर्स के नाम भी आपको स्पेसिफिक पता है तो आप कैपिटल में ही लिखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड एल्योरिंग प्लेसेस रिमेनिंग ऑन अर्थ यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जगह है यानी कि जो भी ऐसी जगह होती है ना जहाँ मन मोह लेती है आपकी वो जगह दैट इज नॉट इज सुंदर वन इज ऑल्सो वन ऑफ दूली अनडिसकवर्ड पैराडाइज और ये डेफिनेटली एक ऐसा स्वर्ग है जो डिस्कवर नहीं किया गया है लाइक इट्स अ स्वर्ग इतना खूबसूरत है ये द सुंदर बांस इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड ठीक है तो क्योंकि जहाँ पे भी जो स्पेलिंग है कृपया करके देख लें साथ ही साथ सिंगल की स्पेलिंग गलत दी हुई थी तो वो आपको तो पहले से ही आती है तो आप यहाँ लिख सकते हो डन ओके okay. इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व रिजर्व की स्पेलिंग भी गलत दी हुई थी तो आपको यहाँ से लिख देना है एंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ भी आता है तो आप कैपिटल में लिखते हो अपार्ट फ्रॉम बींग अ यूनिक लार्जेस्ट मैग्रूव इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कॉमा क्योंकि आप उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहे हैं स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे ठीक है सो द यूनिक लार्जेस्ट मैंग्रोव इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड The Sundarbans has the world's largest deltaic mangrove forest and is also home to one of the India's most iconic wildlife species, the Royal Bengal. टाइगर ठीक है रॉयल बंगाल टाइगर आर बी और टी कैप्स में रहेगा टाइगर की स्पेलिंग देख लीजिए जो आपको ऑलरेडी आती है और यहाँ पर दुनिया की जो सबसे मतलब ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशी है ना जिनका नंबर कम है या जो बहुत कम जगह पाई जाती है तो वो है रॉयल बंगाल टाइगर उनमें से एक और वो यहां सुंदरबन में पाए जाते हैं द सुंदर बन ऑल्सो सर्व एज अ क्रूशियल क्रूशियल की स्पेलिंग देख लीजिए एस दिया हुआ था सी है प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द इनहेबिटेंट्स की स्पेलिंग गलत थी वहाँ पर भी बताया था यहाँ पे देख लीजिए सही स्पेलिंग आपको जो जैसा दिया है गलती वो आपको लिख लेनी है ऑल्सो आप क्या कर लो ना ये वाली जैसे स्लाइड है और ये जो स्लाइड है आप चाहो तो इसका स्क्रीन ले लो और बुक में बैठ के जो है मार्क करो कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो डिफरेंट है जो बुक में दिए हैं और इधर दिए हुए हैं यानी वर्क का ही एक्सरसाइज तो आपको एरर्स मार्क भी कर लोगे तो और क्लियर हो जाएगा कि हाँ हाँ ये एरर्स हमने भी देखे थे और कौन सा था जो स्किप हो गया था समझ आ गया या फिर आप एक बार क्या कर सकते हो ना अभी तो सिर्फ एक बार पढ़ा है कोई बात नहीं आप एक बार क्या करो इसके बाद सबसे पहले खुद से सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये वाला नहीं आया समझ आ क्या तो फिर से वीडियो देख लेना आपको फिर से क्लियर हो जाएगा तो मेक श्योर सिर्फ लिख के रटना मत आपको खुद भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इसलिए वर्कबुक दी हुई है ताकि इतना सब पढ़ाने के बाद खुद से कितना कर पा रहे हो समझ आ गया ओके okay. अब आएंगे हम लिसनिंग पे Following is a passage on Mizoram and its people. When one visits this place, one is enchanted by its natural beauty. मिजोरम भी बहुत सुंदर जगह है इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह है ना कि हमको पता ही नहीं रहता और इंडिया एक्सप्लोर करना डेफिनेटली बनता है तो जिन लोग को ना ट्रैवलिंग का शौक़ है या जिन लोग का ऐसा सपना है कि हम ट्रैवल करना चाहते हैं आप भारत देश जरूर एक्सप्लोर कीजिए बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे ठीक है और डेफिनेटली फ़ॉरन कंट्रीज़ भी कीजिए हर जगह बहुत खूबसूरती खूबसूरती है सो आप डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि फॉरन कंट्रीज़ तो नहीं हो पाएगा तो इंडिया ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करो इट इज़

आप ना पूरी तरीके से मोहित हो जाएंगे उस जगह को देखकर ऐसा जैसे कोई आप पे मंत्र मंत्र, मंत्र मुग्ध सुना होगा आपने दैट इज वॉट इज इंशांटेड ठीक है बाय इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ द स्टेट एंड डेफिनेटली यहां का कल्चर यहां की खूबसूरती जगह की सब कुछ मन मोह लेती है लिसन टू द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ध्यान से सुनना है जो पैसेज दिया है यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डेड स्टोरी और आज क्यूर टीचर फ्रेंड टू रीड द स्टोरी अलाउड सो डेफिनेटली इस पर रिकॉर्डेड स्टोरी होगी कोई तो आप वो भी सुन सकते हैं साथ ही साथ अभी मैं पढ़ी बता ही रही हूँ तो ये भी रिकॉर्डेड ही शॉर्ट ऑफ तो वही सुन लो डन ओके चलिए मिजोरम वंस अ टूरिस्ट रिमार्क आई विजिटेड द ईस्टर्न स्टेट दिस टाइम वैर द पीपल टॉक इन सॉन्ग्स एंड दे ऑलवेज डांस तो एक बार एक टूरिस्ट था मतलब टूरिस्ट कौन होते हैं जो जगह वगैरह घूमते हैं पर्यटक होते हैं तो एक टूरिस्ट जो है वो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ इस बार ईस्टर्न स्टेट्स में घूम रहा था जो ईस्ट के स्टेट्स हैं उसमें घूम रहा था और मैं एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर लोग जो हैं गाने में बातें करते हैं यानी वो गाना गाते हुए बात करते हैं एंड हमेशा डांस करते रहते हैं भाई इतने हैप्पी इतने फ्री बिल्कुल बोलते ना फ्री बर्ड्स टाइप कौन से लोग हैं The eastern region रीजन ऑफ इंडिया इज नो डाउट चार्मिंगली नोवल इन मेनी ऑफ इट्स फीचर्स जो ईस्ट साइड है इंडिया का यहाँ वैसे ही बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, अलग ही कल्चर है तो वो तो दिया ही है बट मिजोरम टरली दैंड ऑफ मीजोज इज एन एक्सपांस ऑफ ब्लू ग्रीन हिल्स तो यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत नेचर प्रकृति देखने को मिलती है एंड इसका नाम का मतलब होता है लैंड ऑफ मीजोज अभी हम मीजो सबका मीनिंग पड़ेंगे फिर फुल आपको मीनिंग पता चल जाएगा मिजोरम इज ब्रोकन अप लेंथवाइज इंटू फाइव मेजर माउंटेन रेंजेस तो इसको लेंथ वाइज पांच माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया है ग्रेजुअली डिसेंडिंग फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ तो, तो साउथ से नीचे की तरफ आते हुए नॉर्थ तक ये जो है रेंजेस आपको दिखेंगी द हिल्स आर रग्ड रग मतलब बड़े रफ ठीक है स्मूथ नहीं है बड़े रफ हैं एंड देर हाइट्स अन ईवन तो ये हिल्स जो हैं छोटे बड़े अलग अलग हाइट्स के हैं साथ ही साथ बहुत रफ हैं द नेम ऑफ द स्टेट मिजोरम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स मिजोरम वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है एक है मी और दूसरा है जो ठीक है दोनों का मतलब है कुछ कुछ और फिर मिजोरम का पूरा नाम आएगा सो so, मी मीन्स ह्यूमन बींग्स और जो का मतलब होता है हिल ठीक है हिली एरिया है ना ये तो जो इज हिल मी मीन्स ह्यूमन बींगस तो ये हो जाता है मिजो ह्यूमन ड्वेलर ऑफ अ हिल ठीक है तो जो ह्यूमन बींग्स हिल्स में रह रहे हैं वो कहलाएंगे मिजो तो मिजोरम क्या हो जाएगा द लैंड ऑफ हिल डेलरस तो भाई जो हिल में इतने सारे लोग रह रहे हैं वो जो जमीन है जो लैंड है जो जगह है उसे मिजोरम कहा गया है तो ये KGK का क्वेश्चन है वैसे पता होना चाहिए? I think सभी को पता रहता है ये तो या डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द्स जो आप ध्यान में रख सकते हो डन ओके द मीजो हैव थ्री मेन फेस्टिवल्स इनके तीन मुख्य त्योहार होते हैं मिमकुट चमचारकुट एंड पोलकुट तो तीन जो इनके फेस्टिवल्स हैं उसके नाम दिए हुए हैं दीज फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग विच दे एन्जॉय लाइफ बाय सिंगिंग एंड डांसिंग तो ये इनके जो खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ त्योहार हैं और इन त्योहारों को मनाते समय ये बहुत ज़्यादा गाने गाते हैं डांस करते हैं एंड द मीजो ब्लेस्ड एज दे आर विद अ विद्यूटिफुल एन्वायरमेंट एंड रिच कल्चर आर अ वाइब्रेंट एंड सोशल पीपल तो ये लोग बहुत ही मिलनसार लोग होते हैं मिजोरम के लोग और ये नाचना गाना ये बहुत पसंद करते हैं और डेफिनेटली यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बहुत खूबसूरत है दे लव टू डांस एज मच दे लव टू सिंग जितना इनको डांस करना पसंद है या गाना गाना पसंद है उतना ही डांस करना पसंद है समझ रहे हो तो जितना गाना गाना पसंद करते उत्तर डांस करना पसंद करते हैं यानी इनको equally singing dancing बहुत पसंद है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इनके कम्युनिटी डांसेस चलते आ रहे हैं वो इसके बारे में बहुत बातें करते हैं द डांसेज आर एक्सप्रेशन ऑफ गे केयर फ्री स्पिरिट ऑफ द मीजोस। तो इनका जो बिल्कुल एक मस्त यू नो मस्त मौला रहना केयर फ्री एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा खुश रहना वो स्पिरिट जो है इनके डांस और सिंगिंग में पता चलती है इट शुड बी नोटेड है दैट दीज डांसिस आर नॉट इंटेंडेड फॉर स्टेज परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि इनको कहीं स्टेज परफॉर्म करना है या इससे यू नो कुछ पैसा आएगा इसीलिए वो ऐसा डांस करते हैं नहीं राधा देहाबिन इवॉल्व फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन बल्कि ये डांसिस इसीलिए होते हैं ताकि पूरा कम्युनिटी एक साथ इन्वॉल्व हो इन्जॉय करे लोग एक साथ जुड़े रहे और इसीलिए ये कल्चर होता है तो मिजोरम जितना खुद खूबसूरत है वहां के लोग भी उतने ही प्यारे हैं ये आपको ही लिया गया है अभी नहीं पता ये है कि नहीं होगा तो आपको क्लास ट्वेल्थ का वीडियो भी मिल जाएगा इसके ऊपर पूरा का पूरा जो अनिशा मैम पढ़ाते हैं सो इफ यू वांट आप वो भी देख सकते हो इफ दिस चैप्टर एग्जिस्ट इन प्रेजेंट सिलेबस क्लियर ओके अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजी क्वेश्चन है लैंड ऑफ मीजो इज अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ ब्लैंक द हिल्स आर ब्लैंक एंड डैश ठीक है तो ये क्या है हिल्स वाला एरिया है और ब्लू और ग्रीन दिया हुआ है तो वही हम फिल करेंगे सो द लैंड ऑफ मीजो इज अ लार्ज ओपन एरिया ऑफ हिल्स एंड द हिल्स आर ब्लू एंड ग्रीन डन ओके नेक्स्ट है द स्टेट रेफर्ड हेयर इज मेड अप ऑफ टू नेम्स तो मी जो है वो ह्यूमन बींग्स है जो हिल्स हैं तो मिजोरम क्या होगा द लैंड ऑफ ह्यूमन डवेलर्स क्लियर चलिए देख लीजिए सो मी मीन्स ह्यूमन बींग जो मीन्स हिल एंड मिजोरम इज लैंड ऑफ द हिल डवेलर्स सीधे सीधे पैसे दिया हुआ है सो आई होप आपके लिए ईजी रहेगा साथ ही साथ ऑलवेज रिमेंबर की इसका मीनिंग होता है डन ओके okay. विच एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद मीज़ो फेस्टिवल्स हाउ डो मीज़ोज इन्जॉय दीज फेस्टिवल्स तो क्या एक्टिविटीज़ हैं भाई सिंगिंग और डांसिंग वगैरह है ठीक है तो वो इसी तरीके से इन्जॉय करते हैं और किस से जुड़ा हुआ है लाइक like, क्यों ये फेस्टिवल्स uh, मनाते हैं या डांसिंग सिंगिंग क्यों करते हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद मीज़ो फेस्टिवल्स एंड मीज़ोज इंजॉय दीज फेस्टिवल्स बाय सिंगिंग एंड डांसिंग ईजी ओके फोर्थ है व्हाट आर द स्पेशल फ़ीचर्स ऑफ अ मीज़ो डांस मीज़ो डांस के स्पेशल फीचर्स क्या हैं सो स्पेशल फीचर्स ऑफ अ मीज़ो डांस आर द डांस आर द एक्सप्रेशन या द डांस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ गे केयर फ्री स्पिरिट ऑफ द मीज़ोज एंड दीज डांसिस आर नॉट इंटेंडेड फॉर स्टेज परफॉर्मेंस तो एक तो ये खुशी का माहौल या जो इन लोग का केयर फ्री एटीट्यूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए डांस है साथ ही साथ ये डांस जो है वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं है बल्कि इट हैज़ बीन टू यू नो इट इज़ देअर टू इवॉल्व द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड स्टफ लाइक दैट सो ये क्या हैव बीन इवॉल्व फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन डांस ओके नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज मीजो पीपल टिक वन विच इज नॉट ट्रू इनमें से क्या है जो सही नहीं है ठीक है पहला मीजोज हैव अ ब्यूटिफुल कल्चर बिल्कुल सही है बहुत प्यारा कल्चर है तो इसको टिक नहीं करेंगे दिल्ली अ ब्यूटिफुल नेचुरल इन्वायरमेंट येस बहुत ही खूबसूरत से इन्वायरमेंट में रहते हैं दे आर अ प्रोटेक्टिव पीपल प्रोटेक्टिव पीपल का मतलब क्या है कि भैया बहुत ज़्यादा यू नो ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं या कुछ करके तो आपको ये दिया हुआ नहीं है इधर तो हम इसको टिक करेंगे एज नॉट ट्रू दे आर अ वाइब्रेंट पीपल डेफिनेटली बहुत ही खुश मिजाज लोग हैं दे लव टू डांस नॉट सो मच टू सिंग दे लव टू डांस एंड ऑल्सो सिंग तो ये भी गलत है नंबर ऑफ कम्युनिटी एंड डांसेस डेफिनेटली बहुत सारे डांसेस है इनके कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज देयर फॉर श्योर तभी ये डांसेस आए हैं तो अभी जो नहीं दिया है पैसेज में वो दो हैं एक है ऑप्शन सी और एक है ऑप्शन ई e, तो हम दोनों को टिक करेंगे अगर सिर्फ एक को चूज करना है तो ये तो हम कर ही सकते हैं बिकॉज ये साफ साफ दिया हुआ है पैसेज में दैट दे लव टू डांस एज मच एज दे लव टू सिंग क्लियर ओके नेक्स्ट है आपका राइटिंग सेक्शन इन द टेक्स्ट सीइंग वाली ट्रैवलिंग अलोन इन बस सम ऑफ़ द कैरेक्टर्स शोड कंसर्न्स तो भाई आप इस कहानी में ये देखते हो कि कुछ लोग थोड़ा टेंशन में भी रहते हैं कि वल्ली इतनी छोटी बच्ची है और अकेले ट्रैवल कर रहे हैं जैसे एन एलडोली वुमन आज आर यू अलोन डियर जैसे एक लेडी आके नहीं बैठती वल्ली की सीट के बगल में जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती सुबारी चबा रही है वो सुबहारी की बदबू आ रही है मतलब बड़े बड़े बड़, ईयर लोब्स हैं दो होल है मतलब ईयर लोब्स में तो ये सब चीज़ें देख के वल्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेडी बट वो पूछती हैं कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो तो वो कंसर्नड थी है ना कितनी सी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है दूसरा कंडक्टर भी पूछते हैं वॉन्ट योर मदर भी लुकिंग फॉर यू की

Do you think that the concerns of the elderly lady and the conductor are apt and genuine? Uh, yes, है ना Because उनका सोचना बिल्कुल सही है कि इतनी सी बच्ची जो है वो अकेले कैसे ट्रैवल कर सकती है तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट और जेनुइन कंसर्न्स हैं Will you say that it is applicable to young boys as well? Yes, definitely. मतलब ये चीज़ um, आपको दो तरीके से दी जा सकती है क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई छोटा बच्चा अकेला ट्रैवल कर रहा होता तो भी यही पूछते या फिर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ क्योंकि वो लड़की है इसीलिए उनसे पूछा जा रहा है तो ये आपका खुद का नजरिया हो सकता है डेफिनेटली दोनों से पूछा जा सकता है बिकॉज आठ साल में वो लड़का हो या लड़की वो दोनों ही बड़े छोटे हैं और कैसे अकेले ट्रैवल कर रहे हैं वो भी इतनी दूर सो या इट कैन बी आस्ट

जब आपके स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी भी जगह पे डिबेट होता है या फिर आप बहुत अच्छे इंटरव्यूज में जाते हो ना जब जहाँ पे स्पेसिफिकली आप कई डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलेंगे हो सकता है कि आपके फॉरेन क्लाइंट्स भी होंगे आपकी स, आ, कंट्री के भी क्लाइंट्स होंगे तो इस तरीके से क्या होता है ना कई अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो तो उन इंटरव्यूज में आपका एक स्टेज पार करने के लिए एक एक्टिविटी होता है जिसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है ठीक है जीडी कहते हैं जिसकी प्रेपरेशन बहुत सारी कराई भी जाती है तो ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक ऐसा दिया जाता है जहां आपसे कहा जाता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो इसमें पता है क्या टेस्ट करते हैं वो लोग कि आपकी सोच कैसी है कई लोग हैं जो किसी टॉपिक का नेगेटिव पॉइंट उठाकर ही बात करते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये गलत है ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ लोग होते हैं जो उसका पॉजिटिव पॉइंट उठा के भी कहते हैं कि भाई ऐसा है क्योंकि ऐसा है एवरीथिंग और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिस टॉपिक में होता ही वो नेगेटिव है और कई लोग हैं जो उसको सपोर्ट करने लगते हैं कई लोग हैं जो बहुत ही सही रीजंस देके उसके बारे में डिसअग्री करते हैं खिलाफ बोलते हैं बट लड़ने नहीं लगते डिबेट में तो कई तरीके के लोग होते हैं ठीक है उनका अपना अपना तरीका होता है डिबेट करने का वैसे ही आपको इस पॉइंट पे या इस लाइन में भावनाओं में नहीं बह जाना है कि भाई मैं तो डिबेट करूंगा या करूंगी इस बात पे कि ऐसा नहीं होता ये वो एक्सेट्रा कभी नहीं करना ये क्योंकि इससे क्या होता है ना आपकी जो एक क्या बोलू एक फाइट करने का जो स्पिरिट होता है बहस करने वाला जो साइड होता है ना वो बाहर आता है कि आप हर चीज में बहस करेंगे शायद आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे दोनों पॉइंट्स को तो अभी से इसीलिए आपको डिबेट वगैरह दिया जाता है स्कूल में और आप पार्टिसिपेट करते हैं कुछ बच्चे कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करते शाय फील करते कि हम कैसे करेंगे हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा तो ट्राई तो करो ठीक है तो ये कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है एंड एट द डे कितनी भी डिग्रीज हो क्या एजुकेशन हो अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है आप में कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंसिटनेस करेंगे एंड यू माइट नॉट फील एज गुड और एज सक्सेसफुल एज यू शुड फील क्लियर और अब हम आते हैं टॉपिक पे तो आपको क्या करना है? इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें पैराग्राफ लिखना है गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ अर्लीज एज कैन ट्रेवल इन अ बस और ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा आपको क्या लगता है ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं और आपको ये पॉइंट्स देने फ्रीडम शुड बी गिवन टू देम टू मूव अराउंड नहीं भाई हमें तो लगता है ट्रैवल करना चाहिए क्योंकि आजादी दो बच्चों को ठीक है सेफ्टी ऑफ द यंग चिल्ड्रन इज ऑफ अटमोस्ट कंसर्न देखिए आजादी की बात अपनी जगह है बट मुझे लगता है कि भाई सेफ्टी नाम की भी कोई चीज होती है तो घूमने देना चाहिए बट कोई बड़ा उनके साथ हो वट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड भी गिवन टू देम इन दोनों टाइप जो बच्चे हैं गर्ल्स और बॉयज उनको क्या क्या चीजें हैं जो हमें सिखानी चाहिए अगर वो कभी अकेले ट्रैवल कर भी रहे हैं या कभी यू नो कहीं

तो बच्चे ऐसा सोचते हैं बट बड़ों को पता है कि उनके लिए क्या सही है इसीलिए वो उनको रोकते हैं दे नेवर वॉन्ट टू बी रेस्ट्रिक्टेड उनको कभी भी कोई रोकता है ना कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ तो वो उनको पसंद नहीं आता ठीक है किनको बच्चों को एंड दे ऑलवेज वॉन्ट कि हमेशा हंड्रेड परसेंट फ्रीडम ऑफ लाइफ में जो नहीं होता है क्योंकि छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं एंड वो कभी भी किसी भी जाल में या ट्रैप में फंस सकते हैं

एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहां आप ये बोल रहे हैं कि मैं खिलाफ हूं इस चीज के कि बच्चों को नहीं देना चाहिए फ्रीडम मेरा ये मानना है क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं तो इसीलिए पेरेंट्स जो हैं जैसा कहें बच्चों को वैसा फॉलो करना चाहिए बिकॉज पेरेंट्स जो हैं जानते हैं कि बच्चों की इस एज पे दे कैन बी ट्रैप्ड इट कैन बी समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर देम इसीलिए वो ये चीज़ बोल रहे हैं ठीक है सो या so, yeah,

ये गाय बस के सामने तेजी से दौड़ रही थी नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन शुड द डोमेस्टिक एनिमल्स बी लेट लूज टू वॉक ऑन द रोड्स फ्रीली व्हीकल्स आर वे हु इज हुपॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द यंग यंका अब आपको यहाँ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है इस पे बेस्ड वैसे आई थिंक एक लाइव सेशन में और एक कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले वीडियो में भी मैंने बात की है ठीक है फिर से थोड़ा अलग तरीके से बात करेंगे आपको क्या लगता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो पालतू पशु होते हैं उन्हें क्या हमें रोड पर ऐसे खोल के छोड़ देना चाहिए वहां पर वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर इतनी गाड़ियां होती हैं जहां पर इतनी गाड़ियों का यू नो बिल्कुल भीड़ भड़क का होता है क्या वहां पर हमें डोमेस्टिक एनिमल्स को छोड़ देना चाहिए और कौन रिस्पॉन्सिबल था इस गाय की डेथ के लिए तो डेफिनेट डेफिनेटली गाय जो है वो किसी फास्ट मूविंग व्हीकल के सामने आ गई होगी एंड इसीलिए उसको अपनी जान गंवानी पड़ी तो डेफिनेटली जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स ओनर हैं मतलब कई बार हम भी देखते हैं कि जो भी गाय वगैरह बकरी इनको पालते हैं वो कभी कभी इनको ऐसे खुला छोड़ देते हैं और बेचारे भटकती रहती हैं इधर उधर और फिर इनको लेकर जाते हैं राइट बट अगर ये गलती से रोड पे चले गए जहाँ बहुत तेज गाड़ी आ रही है तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है राइट तो वो चीज़ है कि डेफिनेटली गलत है जो भी ओनर्स हैं जो भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इनको ऐसे खुले में ना छोड़ दें बिकॉज उनको नहीं पता कि उनको कैसे यू नो हैंडल करना है ये ट्रैफिक वगैरह एंड कभी भी कुछ अनहोनी हो जाएगी अनफॉर्चुनेट हो जाएगा कुछ भी तो दैट इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग गुड क्लियर चलिए आंसर देखते हैं इस पर शुड द डोमेस्टिक एनिमल्स बी लेट लूज ऑन रोड सॉर्ट ऑफ ऐसे है तो छोटा सा लिखा हुआ है आप चाहें तो इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं Man always acts according to his priorities, but we need to understand and respect the rights of animals too. हम जानवरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है हमको लगता है कि भैया इस जानवर के साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं हमारा कुछ नुकसान नहीं तो करो हमें लगता है हम उसको भगाना तो भगा दो तो ये गलत बात है हमें बताना चाहिए एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है वर्क में और हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए वैन इट कम्स टू सेफ्टी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेन फर्स्ट फेल इन दिस टास्क जब भी हम डोमेस्टिक एनिमल्स की सेफ्टी की बात करते हैं कई लोग जो डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को उस टास्क में फेल हो जाते हैं वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा उसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा अदरवाइज हम क्या करेंगे भाई हम खतरे में डाल देंगे इन जानवरों को द पीपल हु डोमेस्टिकेट एनिमल्स शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट एंड दैट दे शुड नॉट बी लेफ्ट ऑन रोड फ्रीली तो जो भी लोग डोमेस्टिकेट कर रहे हैं एनिमल्स को उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें और उनको ऐसे रोड पे खुले में ना छोड़ दें व्हीकल्स ऑन द रोड कैन बी डेंजरस फॉर दै बिकॉज जो गाड़ियाँ तेज चल रही हुई है अपनी स्पीड में चला रहे हैं सबको जल्दी आजकल दुनिया में और एकदम से अगर गाय आ जाएगी सामने या कोई भी जानवर आ जाएगा तो जब तक वो कंट्रोल करें तब तक कुछ भी हो सकता है एवरी वन शुड बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इफ द यंग इन द चैप्टर दैप्टर टेकन केयर ऑफ एंड हैड नॉट बीन अलाउड टू रोम ऑन द रोड इट वुड नॉट हैव डाइड दस वन हुज एनिमल्स मस्ट टेक केयर ऑफ़ दैम तो अगर ये जो यंग काव है चैप्टर में उसको ऐसे रोड पे छोड़ा नहीं गया होता तो वो डेफिनेटली आज जिंदा होती और इसीलिए जो भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं वो भी ध्यान दें साथ ही साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हमें रोड्स पे एक तरीके से यू you नो know, ये सेफ्टी मेंटेन भी रखनी चाहिए कि इफ इन केस अगर कोई ये पर्टिकुलर फैक्ट भूल जाता है कि हमें ध्यान रखना है तो हम गाड़ियों को थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में चलाएं क्योंकि अगर हम किसी जानवर को ध्यान से ना देखें और हम गाड़ी चला देंगे उन उनपे तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है डन चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, इस तरीके से वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस यूनिट आई होप आपको क्लियर हो गई हैं सारी चीजें एंड एवरी थिंग लाइक एवरी आंसर एवरी पैराग्राफ सब कुछ आपको अच्छे से सॉल्व करना है ऑल्सो कई प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं आपके वर्कबुक में वो तो डेफिनेटली मैं यहाँ बनवा नहीं पाऊंगी तो आप कोशिश कीजिए कि आप ट्राई करो उन प्रोजेक्ट्स को बनाने का इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड ऑल्सो यू कैन जस्ट टेक केयर ऑफ लाइक के आपके स्कूल में भी बनवाएंगे क्या या फिर यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टीचर स्कूल टीचर की अगर ऐसे हम एक्टिविटी कर सकते हैं तो Which should be something, just say you can And yeah, that is how workbook is very important. Make sure you use every uh, question and take an advantage of every question so that you learn something or the other. So with this, we are done with the solution uh, discussion of this particular unit. But we will meet very very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.